इतना कुछ बिल्डअप दिखा दिया तो काफी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस कुछ ही दिनों के बाद ये यहाँ से गिरकर मर जाएगा, लेकिन ये इसकी पहली कोशिश नहीं है। ऐसी 4-5 बार ये कोशिश कर चुका है, लेकिन उन कोशिशों की फेल हो जाने की वजह क्या है, आइए वो देखते हैं। अरे बाप रे, बच गए हम। इतना सब देखने के बाद ये यहाँ से कूद कर मरेगा, ये भरोसा है क्या? नहीं, मुमकिन ही नहीं, ये कूदेगा ही नहीं। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक हफ्ता भी चाहे तो ऐसे ही खड़ा रहेगा। मरना जीने से भी खतरनाक है, ये जानकर भी क्यों बेकार में कोशिश करने का? कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या सर? हेलो, बोलिए सर। ये मृत्युंजय नाम के पेशेंट का बिल क्लियर हो गया है क्या? हाँ, सारा क्लियर हो गया है सर, बस थोड़ा बाकी है। भगवान बड़ा है, तुम्हें बस बचा लिया। रिपोर्ट्स पूरा नॉर्मल है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। इट्स अ मिरेकल, यू आर 100% फिट एंड फाइन। सर, मैंने तो बस आते ही पूछा था कि डॉक्टर कहाँ पे है। हाँ? लेकिन क्यों आए हो, किस लिए आए हो, बिना कुछ पूछे मुझे ले जाके सारे टेस्ट करवा लिए सर। ये सब हमारा प्रोसीजर है भाई, फॉलो तो करना चाहिए। एक बात बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? सर, मरने के लिए कोई दवा लिख दीजिए सर। आसानी से मौत होनी चाहिए सर, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर स्लीपिंग टेबलेट्स खा लिए तो सोते सोते मर सकते हैं ना सर। वो हमारे पास नहीं है। अरे सर, मैं वो जानता हूँ, मेडिकल शॉप पे जाके पूछा तो आपसे लिख के लाने के लिए बोला। प्लीज लिख दीजिए ना सर। खड़े हो जाओ। सर लिख दीजिए, मैं चला जाऊंगा। खड़े हो जाओ और उठो, उस मेन रोड में जाकर बीच में खड़े हो जाओ, कोई आकर ठोक कर चला जाएगा, आसानी से मर जाओगे। अरे सर, वो सब ट्राई कर चुका हूँ। हाँ? एक ही बार में जान चली जाए तो ठीक है ना, कहीं हाथ या पैर में कुछ हो गया तो जिंदगी भर तकलीफ उठानी पड़ेगी सर। गलत मत समझना बेटा, स्कैनिंग मशीन ये वो मिलाकर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना बेटा, उस वजह से हमने 2-3 टेस्ट ज्यादा निकाल दिए, बस इतना ही। कोई भी डॉक्टर हो अपने पेशेंट को मारने के लिए कभी नहीं सोचेगा, बचाने के लिए कोशिश करता है। बहुत थैंक्स सर, मैं चलता हूँ। गुड। इतना जल्दी तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है ना? सही कहा सर। वो कैसे? तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं मरने के लिए कोई और ही रास्ता ढूंढ लूं। अरे अरे, we wanna get it drunk in the club, rolling on dubs at the parking lot with a couple of thugs. Wanna get grimy, boy I know they like me. Okay, okay, I'm rolling, I'm riding, I'm flexing while driving. You know when I come through, that best be no problem. सर, अंदर आते वक्त किसी को सोते हुए देखा था, थोड़ा घुमा के देखा तो कोई लेटा हुआ था, उठाने के लिए गया तो वो उठा ही नहीं। ए, जो मर गया वो कभी उठता है क्या? वो डेड बॉडी है क्या? लड़के लोग एक हफ्ते से छुट्टी पर गए हैं, इसलिए बॉडी अब भी इधर पड़ी है। उसके चेहरे को देखा क्या? वो अंधेरा था ना सर,
इसलिए ठीक से देख नहीं पाया। देखेगा क्या? नहीं सर, नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं, नहीं सर, सर प्लीज सर, नहीं सर। काम क्या है वो बता। इसे मारना है सर। कितना मांगूं? 1,00,000 रुपए मांगे और ज्यादा समझकर भाग गया तो? कुछ भी हो 50,000 से कम नहीं मांगूंगा। पैसा लेकर आया है। ज्यादा सोचिए मत सर, ये सिर्फ एडवांस ही है। अरे तेरी, डील होने के बाद और 3,00,000 रुपए दूंगा। अरे अभी कैसे मैं मान जाऊंगा? ठीक है, कुछ तो ज्यादा दो। फिर रहने दीजिए सर, मैं किसी और से डील कर लूंगा। मैं पैसे को वैल्यू नहीं देता हूँ, इंसान को वैल्यू देता हूँ। कितने लोगों को मारना है? सिर्फ उस एक आदमी को मारना काफी है। एक बुलेट काफी है क्या? एक आदमी के लिए एक बुलेट, यही मेरी पॉलिसी है। नहीं, मान लीजिए अचानक मिस फायर होने के बाद उसे मारने के लिए एक और बुलेट होना चाहिए ना। तीसरी रो में चौथा फोटो, करेक्ट है ना? सुपर सर, मुझे अब यकीन हो गया है। किस बारे में? इस फोटो में जो भी है उन सबको आपने ही मारा है ना। आ? सर, मैं अपनी तरफ से आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ। रामिया कॉलेज के पास मिस्टर गोपी नाम का एक कॉफी शॉप है, वो ठीक शाम के 5 बजे वहाँ आ जाता है। उसकी कहानी वहीं खत्म कर देना सर। डरी क्यों? कहीं और नहीं हो सकता क्या? वहाँ कोई भी CCTV कैमरा नहीं है। आपके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा। महीने में ऐसा एक ग्राहक मिला तो अच्छा होगा। अरे फिर से क्यों आ गया? सर बात यह है कि मुझे दिखाने के लिए आपने एक बुलेट तो यहीं पे शूट कर दिया, फिर कल भूलकर वैसे ही आ जाएंगे, ये याद दिलाने के लिए आया हूँ सर। मेरी याददाश्त अच्छी है, याद दिलाने की जरूरत नहीं। कल आते वक्त 3,00,000 रुपए ले आना। ओके सर, मैं चलता हूँ। ये लोग साइलेंटली क्यों बैठे हैं? अरे तुम्हारा हाथ कहाँ है? हाथ तो बाहर है ना सर। अरे तुम्हारा दायां वाला हाथ कहाँ है? वो सब है ना सर, छोड़िए। अरे वही कहाँ है? है सर। अरे हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ, हैंड्स अप, साइड में आ इधर। और एक बार जाकर यहाँ चादर को उड़ाना तो तेरे हाथ को काट के रख दूंगा। वैसे बैठे रहने का, जरा सा हिलने का नहीं। कौन है वो? लोफर है क्या? उसके बारे में ऐसा मत बोलो। मैं तो उसे लोफर नाम से बुलाता हूँ और तुम उसे कुछ कुछ नाम से बुला रही हो। मेरे साथ 10 मिनट बैठ कर कहीं बात करेगी क्या? वो सब रहने दे, तू जिससे नालायक से शादी कर रहे हो उसका मैंने चेहरा नहीं देखा है। व्हाट्सएप पे उस नालायक का फोटो भेजेगी क्या? किस लिए? सिंपल, नाइट में अकेला मिले तो उठाकर पत्थर उसके सर पर मारने के लिए, समझे? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ खुशी। मैं चलती हूँ। अभी तुम कहाँ जा रही हो मैं अच्छे से जानता हूँ। आज या फिर वो, या फिर मैं फैसला करके ही रहूंगा। इसे अकल नहीं आएगी। ऑटो। कहाँ जाना है मैडम? रमैया कॉलेज, मिस्टर गुप्ता। हाँ खुशी, बोलो। तुमने मुझे बस स्टॉप पे आने के लिए क्यों बोला? और अब मुझे कहाँ आना होगा? तुम एक काम करो, मिस्टर गुफी के इधर आ जाओ। मिस्टर गुफी के पास? मैं अभी निकलता हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है सर। हेलो, मैं कार्तिक, मैंने जो बोला वो हो जाना चाहिए। सर सर, हाँ कैश जेब में है सर, 5 बजे से पहले हो जाना चाहिए। अरे कैश जेब में है, बोला था ना।
क्या हो गया सर? शिट, अरे टैंक पूरा खाली हो गया। खुशी ने मिस्टर गोफी के यहाँ पहुंचने के लिए बोला था। मैं मेरी पद्मावती को ढूंढने के चक्कर में मिस्टर गोफी के इधर गया था, और इस क्लोफर को क्यों बिठा लिया मैंने? ठीक है गुरु, दो पैक पीकर कहाँ जाना है ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बाय। सच में इसके बाद ये घर मेरा ही है ना भाई? हाँ। आप कभी वापस नहीं मांगेंगे? मरने से पहले इसने सब कुछ दान कर दिया। मरने के लिए इसने क्यों डिसाइड किया है इस बारे में जानना जरूरी है ना। हर स्थिति के पीछे लड़की ही वजह होती है, ये गलत है, लेकिन इसकी परिस्थिति की वजह यही है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे साथ जीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ। दोबारा कभी मेरी लाइफ में आना मत। गुड बाय। अपने प्यार को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को वश में करने की हिम्मत रखने वाला ये उसके दूर जाने के बाद मरने का फैसला कर लिया। तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? अरे चुप रहिए मैडम, मेरा टेंशन मुझे है। मैडम 5 मिनट के लिए बैग पकड़ लेंगे? प्लीज लेकर जाओ। मैडम 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 आपको कुछ तकलीफ रहा तो आप इस बन को खा सकते हैं मैडम। लीजिए मैडम, ये बन है मैडम, खा लीजिए मैडम। मैं 5 मिनट में आता हूँ मैडम। प्लीज मैडम प्लीज। वो कबक मिला ही नहीं, मेरा ही बैड लक है। ए कार्तिक। हाँ, अब इसको कैसे बताऊं? हाय। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये नाक पे रुमाल क्यों रखा है? अरे, अरे कुछ नहीं बोला ना। कार्तिक दिखाओ मुझे। अरे बाप रे, खून बह रहा है कार्तिक, क्या हुआ बताओ मुझे। ये एंट्रेंस पे आते वक्त मैं उस ग्लास से टकरा गया था। हाँ। मुझे पता ही नहीं चला। हाँ। मुझे सीधा नाक में लग गया। तुम इतने बेवकूफ हो। इसीलिए बोला था नहीं बताऊंगा। ओके सॉरी। अरे सच में मुझे ग्लास दिखाई नहीं दिया। Okay, I'm rolling, I'm riding, I'm flexing while driving. You know when I come through, that best be no problem. सर सर सर, ये टेबल पूरा रिजर्व है सर, आप वहाँ सिंगल चेयर पे बैठ सकते हैं प्लीज। एक्सक्यूज मी। मुझे मारने के लिए इसे मैंने ही भेजा था और मुझे ही आके डरा दिया। आधा घंटा पहले ही आके बैठ गया। यहाँ बैठ सकता हूँ? इधर नहीं, उधर। मेरा टारगेट उस तरफ है। इस तरफ ही बैठ के मारेगा क्या? इसे याद नहीं है क्या मुझे ही मारने के लिए आया है, ये भी इसे पता नहीं है क्या?
किस तरफ से आएगा हो, कहीं से भी आने दो, आज ठोकना तो तय है। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर। सुनो। क्या सर? ए, चुप। वो जो कोने में लड़की बैठी है ना, उसके पास बैग है मेरा, जाकर ले आ प्लीज। ओके सर। चुप, चुप, आराम से, आराम से, आराम से। अब कैसा लग रहा है मैडम? हाँ? ये बैग वो सर मांग रहे हैं मैडम। कौन मांग रहा है? वो वहाँ वॉशरूम के पास खड़े हैं। वहाँ जो खड़ा है ये बैग उसका नहीं है, अगर बैग उसका है तो खुद लेकर जाने दो। ठीक है मैडम। कुछ भी हो इससे पूछ ही लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, लगता है आपको मैंने कहीं देखा है। अरे मुझे तो नहीं लगता कि तुझे कहीं देखा है। याद कीजिए जरा। मैं टेंशन में हूँ, बेकार में दिमाग खराब मत कर। अरे ये बेवकूफ इतना पास आकर भी। अरे मेरा भी वही टेंशन है। इतना क्लू देने के बाद भी इसे पता नहीं चल रहा कब आने वाला है। ठीक से एक बार फोटो देख लेते। आप सुपारी किलर हैं क्या? तू सीबीआई ऑफिसर है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। तो फिर सुन ले, मैं सुपारी किलर ही हूँ, किसी को मारने आया हूँ यहाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। उसको कैसे समझाऊँ? अरे फोटो कहाँ रखा मैंने? कुछ तो ढूंढ रहा है ये। यही रखा था ना। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे? वो क्या है ना, घर से निकलते वक्त एक इम्पोर्टेंट फोटो लेना भूल गया मैं। भगवान क्या आदमी है। अरे यार एक मिनट, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। जा जा जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये तो फोन देख रहा है। मैडम बैग दे दीजिए मैडम, मैं जाता हूँ। बैग तुम्हारा नहीं है। मैडम मेरा ही है मैडम, मैं अभी आपको देकर गया था मैडम, मेरा ही है मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, दे दीजिए ना मैडम प्लीज। तुम तो वही हो ना, पर ये क्या है, तुमने गेटअप चेंज क्यों किया? कार्तिक एक बात जानते हो, ये अचानक से मेरे ऑटो में आके बैठ गया। जब ये बैग मुझे दे रहा था तो बिल्कुल भिखारी की तरह लग रहा था, और अब देखो तो पूरा गेटअप ही चेंज कर लिया। अबे तू ही है ना, पैसा कहाँ है? इधर ही ये देता हूँ, मुझे बैग लेने दीजिए। कार्तिक ये सब क्या है? खुशी में बाद में बताता हूँ। देखो भैया एक भी रुपया नहीं लिया इसमें से। बैठ जाओ उधर, हिलने का नहीं। सर आपको क्या चाहिए? एक कॉफी। अच्छा हुआ इसने खुद कॉल किया। हेलो, मैंने जो काम बोला था उसका क्या हुआ? सब कुछ रेडी है, इंतजार कर रहा हूँ। वो आया क्या? अभी नहीं, जैसे ही आता है ठोक दूंगा उसे। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। वो क्या है ना उसका कुछ चाहिए तो बोलो ना। वो क्या है ना कि उसकी फोटो भेजू क्या? हाँ काम आएगा, भेज दो। आखिर में फोटो मिल गया। अभी भेजा तो इधर ही आके खत्म कर देगा, थोड़ी देर बाद भेजता हूँ, कम से कम चैन से मरूंगा तो। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। अरे खुशी, अरे इस लोफर को तो मैंने ड्रॉप किया था क्या? सर सर 5 मिनट के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ क्या सर? अरे वहाँ ऑलरेडी एक आदमी बैठा था, वो वॉशरूम गया है। दो चेयर है ना सर, वो उस तरफ बैठ जाएगा ना सर। अरे क्या है ये, एक चेयर है और ये दो बोल रहा है। अभी आपके जैसे आपके एक बगल में बैठा तो है ना सर। बेवकूफ कहीं का ज्यादा पी लिया है इसलिए डबल डबल दिखाई दे रहा है। अरे बैठ कर मरो। या आई नो। फोटो कब भेजेगा? अरे रो क्यों रहे हो? सर उसने मुझे धोखा दिया सर। किसने? मेरे पीछे जो बैठी है ना सर, वही है सर। अरे मौत के घाट उतार देंगे, छोड़ो। मुझे सर? मैं मारता हूँ, चार्ज लगेगा। अरे बेवड़े तू कहाँ से चार्ज देगा, तेरे पास पैसे हैं क्या? कितने लोगे सर? 2 लाख। मारने के लिए कुछ लाए हो क्या सर? क्या है? समझ रहे हो क्या? गन दो मुझे, मुझे छोड़िए सर। इस लड़की ने धोखा दिया मुझे, मैं खुद ही से मार देता हूँ। प्यार के नाम से धोखा दिया मुझे, मैं क्या कर रहा है तू?
पास आया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझा? अरे ये क्या कर रहे हो? संतोष बेवकूफी मत करो, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बातें मैंने अरे मैंने डील किया इसको मारने के लिए। अरे दे दो, उसके अंदर सिर्फ एक बुलेट है, दे दो। अभी भी तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आ रहा है ना? जैसे तू मेरी नहीं हो सकी, वैसे तू किसी और की नहीं हो सकेगी, समझी? देखो तुम कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर एक ही बुलेट है, वो सिर्फ मेरे लिए है। आप देख क्या रहे हैं सर? उसे लीजिए और शूट कीजिए मुझे। छोड़ो इसे, शूट कीजिए सर, कम ऑन, शूट कीजिए सर, सर मुझे मारिए सर, मुझे मुझे शूट कीजिए, कम ऑन शूट कीजिए, मारिए सर, सर छोड़ दीजिए। चले जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अभी बैंगलोर आती हूँ, तुम जल्दी से एयरपोर्ट आ जाओ। वो क्या है ना, मैं जरा काम पे हूँ। मैं तुम्हें हक करके सॉरी बोलना चाहती हूँ, तुम आ रहे हो ना? अरे मैं क्या बोलूँ इसे अभी? इसका मतलब तुम नहीं आने वाले हो? मैं अभी मर जाती हूँ, तुम देख लो। अरे छोड़िए सर, नहीं नहीं सर, मत मारिए सर, प्लीज सर, रुक मत कीजिए सर, प्लीज सर, आ जाओ प्लीज। मैं आता हूँ, तुम वहीं पे रुको सर, प्लीज सर, मुझे छोड़ मत कीजिए सर, प्लीज सर, सर प्लीज सर, मुझे जाना होगा, प्लीज सर, जिसने डील किया था वो मैं ही था। तुम पर भरोसा कैसे करूँ, बाहर आकर बात करो। अबे नालायक कहीं के, ऐसा क्या हो गया तुझे पैसे देकर मरने के लिए? सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे एयरपोर्ट पे जाना है। क्या 3 लाख तेरा बाप देगा क्या? पैसे दे और कहीं भी जाकर मर। सर मरने के बाद क्या लेके जाऊंगा, यही सोचकर मैंने सब कुछ दे दिया था सर। मर कर क्या लेकर जाएगा, अभी उड़ाता हूँ तुझे, ये गंदो इधर। सर प्लीज छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, सर मुझे छोड़ दीजिए सर। छोड़िए सर, सर प्लीज सर, प्लीज सर छोड़ मत कीजिए सर। मैंने तो उसे कॉफी शॉप में इसलिए बुलाया था ताकि उसे मैं बता सकूं ये शादी नहीं हो सकती। उसने क्या बोला तुझे पता है? संतु चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, दिल का बहुत अच्छा है, उसे अक्कल आनी चाहिए, बस इसलिए मैंने ये सब किया। मैं उसे सच कह पाती इससे पहले ही उसने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। अब तो तुम समझ गए ना कि मैं कितना प्यार करती हूँ। अरे क्या है यार, उठाकर फेंको इसे, इसे ठोकने के लिए हमारा पूरा डिपार्टमेंट पीछे पड़ा था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। एक्सक्यूज मी, मैं बाहर जाता हूँ, यू गाइस कैरी ऑन। आई एम सॉरी खुशी, तुम्हारे दिल को मैंने बहुत चोट पहुंचा दी, बट आई लव यू। आई लव यू टू। इसका मतलब तेरे पास कुछ भी नहीं है क्या? At least तुम्हारे दिल में मैं तो हूं ना?
और कितने दिनों तक इस तरह का टॉर्चर चलेगा? इस घर से पनौती निकल ही नहीं रही है। अरे धीरे से बोलो, अगर पापा सुन ले तो तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ होती है तो होने दो, मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से चली जाती हूँ। आप आते हो या नहीं? दादाजी नाश्ता खाने आ जाइए। हाँ वही, वो तीखी चटनी इडली के साथ खाने के लिए। हाँ दादाजी चलिए ना। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ की वो पत्थर जैसी इडली अगर टीवी पे एडवर्टाइज किया तो एक ही दिन में फेमस हो जाएगी वो। पत्थर की इडली बनाने वाली परिमला दुनिया में छा जाएगी। मैं नहीं आऊँगा। दादाजी आइए ना, नाश्ता करते हैं। अरे बाप रे, मुझे पसंद नहीं है और तुम भी नहीं छोड़ोगी। बहुत परेशानी झेल रहा हूँ मैं। ए भगवान, मेरी माँ। ये कैसी इडली बनाई है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा, आपका हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट क्यों रहता है, बताइए ना। कंप्लेंट नहीं है बेटा, वो तो खाने के बारे में ही। मुझे ऐसे ही बनाना आता है। आप लोगों को खाना है तो खाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जाने दो बेटा, आज शाम को ऑफिस से लौटते वक्त पहाड़ वाले मंदिर वंडेश्वरा जाकर उस दुकान से एक मैसूर पाक लेकर आ जाओ, बहुत दिन से खाया नहीं। सुनिए, आज रात मंदिर से आने के बाद आपने मोटर रिपेयर करवाने की बात की थी ना, आपको याद है ना? अच्छा पापा, वो आज मैं बहुत बिजी हूँ। ये तो ऐसा ही है, सिर्फ बीवी की बात सुनता है। पापा, पापा। अरे सुनो, ये मैसूर पाक है या कंक्रीट का पत्थर? अरे वाह वाह, क्या मैसूर पाक है। क्यों सर, क्या हुआ? बेटा तुमने या तुम्हारे मालिक ने कभी इसे खाकर भी देखा है क्या? सर इस पूरा एरिया में हमारा मैसूर पाक सबसे फेमस है। ओहो ठीक है, एक पैकेट में कितना पीस आता है? सर ऐसा देखा जाए तो 125 आएगा, मतलब 3 किलो आएगा। 3 किलो? ठीक है, एक काम करो, बाजू में वो घर बनाने वाला मिस्त्री है ना, वहाँ पर इनको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के बाथरूम बना देना। ये तो मैसूर पाक का बड़ा फेमस एरिया है, ऊपर से इतना घटिया मैसूर पाक बनाया और बोलता है हमारा फेमस है। ये कोई मैसूर पाक है क्या? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। नो, नहीं ठीक नहीं है। लीजिए सर। सर थोड़ा साइड हो जाइए। ये क्या है, किसी को एक मैसूर पाक भी ठीक से बनाना नहीं आता क्या? क्या सर, हमारे मैसूर पाक में क्या फॉल्ट है? अच्छा तुम्हें कन्नड़ नहीं आती क्या? नहीं यार, वैसे कन्नड़ ही नहीं जानते हो तो फिर मैसूर पाक कैसे बनाओगे? कन्नड़ नहीं आता है साहब। ठीक है, एक काम करो, पहले कन्नड़ में बात करना सीखो, उसके बाद मैसूर पाक बनाना। ठीक है सर। इसको कितना भी समझाओ ऐसा ही है, हमारी वंडेश्वरा दुकान के जैसा मैसूर पाक किसी को बनाना आता ही नहीं। रहने दो, छोड़ो, क्या है बोलने का। सर, सर, रमाकांत सर। कौन हो बेटी, पहचाना नहीं। सर मैं सर दिव्या, बी सेक्शन 99 बैच। ओ, तुम हो क्या, बहुत दिन हो गए ना बेटी, तो याद नहीं आया। और बताओ कैसी हो, अच्छी हो ना? हाँ सर बहुत अच्छी हूँ। सर आपने जो सिखाया था वो सीख अभी भी याद है मुझे। उस समय तो क्लासरूम में हम बहुत मस्ती किया करते थे। एक दिन आपने क्लासरूम में आकर हम सबको प्रवचन दिया था। क्या था बेटी वो? शांति की जिंदगी जीने के लिए मौन व्रत रखना बेहद जरूरी है। हाँ, बहुत खुशी हुई तुमने याद रखा। सर वहाँ पर आप जो बोल रहे थे ना, मैंने सुन लिया था, आप वेंकटेश्वर से मैसूर पाक खाने की सोच रहे हैं ना सर? हाँ बेटी, मुझे मैसूर पाक बहुत पसंद है, उसे खाने का मजा ही कुछ और है। वो मजा आप कहाँ मिलता है, क्या करूं बेटी, अगर जाना है तो बहुत दूर है वो। सर आपका फोन दीजिए जरा। ये लो। सर आपके घर का एड्रेस बताइए। वही फोन में। सर आपके पहुंचने से पहले वेंकटेश्वर का मैसूर पाक आपके घर पहुंच जाएगा। घर के सामने आ जाएगा? वो कैसे बेटी? सर स्विगी नाम का एक ऐप है। इस ऐप से आप ना नाश्ता, आइसक्रीम, मिठाई, आपको जो भी चाहिए वो मंगा सकते हैं और वो आपके घर पे ला के देते हैं। देखो
टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अब तुम एक काम करो, अपना नंबर मेरे फोन में डाल दो, फीड कर दो। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है बेटी। ओके बेटा, शुक्रिया। ये तो बढ़िया। स्विगी सर। हेलो। हाँ, मैसूर पाक बहुत अच्छा था बेटी। अब मेरी पोती मैसूर पाक के साथ सेल्फी निकालेगी, वो मैं तुम्हें भेजता हूँ, सेंड करता हूँ। सर, मैसूर पाक के साथ व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डालिए सर, आपके व्हाट्सएप फ्रेंड्स भी देख सकते हैं। ठीक है बेटी, ये टेक्नोलॉजी तुमने मुझे सिखाई है, इसलिए तुम हो मास्टर और मैं हूँ स्टूडेंट। सर, बहुत बड़ी बात कह दी, चाहे जो भी हो आप ही मेरे टीचर हैं और मैं आपकी स्टूडेंट। अरे कोई बात नहीं बेटी, अब मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ। ठीक है सर। स्विगी सर। स्विगी सर। मुझे नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? बाहर से खाना आ रहा है। दादाजी, आपने मेरे लिए भी आइसक्रीम ऑर्डर किया है ना? की है बेटा, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। फोन फोन फोन। हेलो सर, मैं स्विगी से बात कर रहा हूँ। सर कहाँ हो भाई? सर लोकेशन नहीं दिख रहा है, पता नहीं चला है सर। ऐसा है क्या? एक मिनट। ए राजीव, डिलीवरी बॉय आया है, एड्रेस बता जरा। हेलो सर, मैं लोकेशन पर पहुँच गया हूँ पर ठीक से पता नहीं चल रहा है। हाँ, वहाँ से राइट ले लो। ओके सर। हाँ पापा, पापा आप क्यों इस तरह खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगाते हो? आपके सेहत के लिए होटल का खाना अच्छा नहीं है। ऊपर से वो डिलीवरी बॉय बेल दबा दबा कर इरिटेट भी करता है। अब इसमें और टेंशन की बात क्या है? बोला तो डिलीवरी बॉय को पूरा एड्रेस मुझे ही बोलकर बताना पड़ता है। मेरी वजह से इरिटेशन हो रही है या मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ उससे इरिटेशन हो रही है? पापा ऐसी बात नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं वैसी बात नहीं, मैं सब जानता हूँ। कल से इस घर में कोई नहीं आएगा, कोई बेल नहीं दबाएगा। टाइम बहुत हो गया, सो जाओ, सुबह काम पर जाना है। कल से मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? ओके चलो। सब दादाजी का पसंदीदा खाना है बेटी, ये लोग खाएंगे तो दादाजी जहाँ कहीं भी रहेंगे ना वो खुश होकर हमें आशीर्वाद भी देंगे। पापा, जब दादाजी हमारे साथ रहते थे तब क्यों उन्हें इतना खाना नहीं दिया? क्यों पापा, क्यों नहीं दिया? बोलिए पापा, बोलिए पापा, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, बताइए ना पापा। अरे जब वो जिंदा थे तब ये खाना उनको क्यों नहीं खिलाया? बताइए ना पापा, पापा प्लीज बताइए, बोलो ना, कुछ तो बोलो पापा।
पर मशहूर पुलिस ऑफिसर राजेश जी चार मासूम लोगों के एनकाउंटर करने के आरोप में सेविंग नाम का एक अलग कमीशन रखा गया है जिससे उनसे पूछताछ की जाएगी। आपके बच्चों की उम्र के थे वो लोग, आखिर आपका कैसे दिल किया इनका एनकाउंटर करने के लिए? मेरे पर्सनल मैटर को पूछने के बजाय केस से संबंधित जानकारी मुझसे लीजिए प्लीज। उन लड़कों का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग गलत किए होंगे, क्या आपको ही सजा देना जरूरी है? ज्यूडिशियल सिस्टम भी तो है। उन लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड भले ही ना हो लेकिन उन लोगों ने कितना बड़ा क्राइम किया है आप जानते हैं? मैडम कहाँ चली गई है? मैडम फिंगरप्रिंट्स के मार्क्स हैं, एटलीस्ट चार लोग थे। से फ्रीज करो। उनका कार्ड डिटेल्स देना मुझे। मैडम ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है, ये सस्पेक्ट का अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट की डिटेल चाहिए मुझे। श्योर सर। थैंक यू। ये अकाउंट होल्डर कल दोपहर को कार चोरी हो गया है ऐसा कंप्लेंट करके कार को ब्लॉक कर दिया है। इसका प्रिंट आउट मिलेगा क्या? ओके सर। बार बार अंधेरे में कहाँ जाते हो तुम? कल भी गए थे ना? अरे बेकार में तकलीफ मत दो। आगे से कहीं नहीं जाऊंगा। अनिल कुमार। सर चलो थोड़ी बात करनी है। किस लिए सर? कुछ नहीं बस एक छोटी सी इंक्वायरी है। आओ चलो। सर आओ। मैंने क्या किया है सर? सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आ चलो। दीदी सर चारों लोग मिल गए मुझे। उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर के आ जाओ। ओके सर। सर इसे फॉरेंसिक लैब में भेज दो। ओके सर। फर्स्ट हम किससे शुरू करें? सर वो खून हमने नहीं किया सर। खून किसने किया ये मैंने नहीं बोला, इसका मतलब उस खून के बारे में तुम जानते हो, इसे नोट कर लो। यस सर। तुम बोलो इस बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने खून नहीं किया सर। सर कैमरा ऑफ करो। हाँ सर। जस्सी को तुम जानते हो ना या नहीं? जानता हूं सर। कैसे? नागरभावी सर्कल में हमारा एक सुपरमार्केट है सर, उसे मैं और मेरे पापा संभालते हैं। उस बिल्डिंग का ओनर ही जस्सी का पति है लेकिन उनका तलाक हुए 7 साल हो गए सर।
उसके कॉम्पेंसेशन में ये बिल्डिंग और साथ में कुछ पैसे जस्सी को मिले थे। जस्सी के घर में जिस सामान की भी जरूरत होती है वो सारा सामान हम हमारी शॉप से ही भेजते हैं। किराए के दिन जितना भी अमाउंट उधार होता था उसे काट कर बाकी के पैसे पापा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, लेकिन एक दिन सर्वर प्रॉब्लम की वजह से रेंट ट्रांसफर नहीं हो पाया तो पापा ने कैश मुझे देकर कहा कि मैं जस्सी को दे आऊं। ग्रोसरीज अंदर रखो। ये है इसका बिल और ये है बचा हुआ रेंट। वो बैंक सर्वर में प्रॉब्लम की वजह से अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाए और इस वजह से पापा ने मुझे भेजा है। अच्छा, तुम नागेश्वर के बेटे हो क्या? मुझे लगा कोई नौकर है। बैठ जाओ, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, मैं चलता हूँ। डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी जस्सी। आओ आ जाओ, बैठो। जैसे मेरे पैरों को देखकर तुझे लव हुआ क्या? नहीं नहीं आंटी। हे आंटी कहकर नहीं बुलाने का बोली थी ना, जस्सी ऐसा बुलाओ एक बार। जस्सी क्यों इतना डर रहे हो तुम? अब तक किसी लड़की को छुआ भी नहीं है क्या? नहीं वो मैं चलता हूँ। Keep in touch. जाओ। भाई। हमारे इतना ट्राई करने के बाद भी उसने हमको नहीं देखा। कोई तो डिलीवरी बॉय है जिसको मुंह फाड़ के दिख रही है। अरे अभी दिखाता हूँ। क्या बात है, ज्यादा मस्ती चढ़ रही है। जो इशारा नहीं किया उसको किया। लफंगे कहीं के। अरे नालायक कहीं के। जस्सी ने तुम लोगों को पसंद नहीं किया, उसने पसंद नहीं किया तो तुम लोगों ने उसे मार दिया। सर हमने नहीं किया। साइलेंस। ये कब हुआ था? लास्ट मंथ 15 तारीख को। उसके बाद उसने हर रोज कॉल करना शुरू कर दिया सर। साइज कितना है? पानी पी ले। टेंशन मत लो, मैंने पूछा शर्ट की साइज। मीडियम। वो भी मीडियम है या एक्स्ट्रा लार्ज? मैं खाना खा रहा हूँ, बाद में कॉल करूँ? कल मिलो, बाय। क्या मीडियम है? मेरे कॉलेज का फ्रेंड है पापा, कल मेरा बर्थडे है ना तो गिफ्ट के लिए पूछ रहा था। Happy birthday. Thanks.
You have a nice day. हेलो, कहाँ हो? मुझे बुखार आ गया है इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। सिर्फ चुम्मी के बाद ये हाल? थोड़ा आगे कुछ करूँगी तो क्या हाल होगा? हाँ, दिस इज फॉर यू। मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। वाओ, आई लव चॉकलेट्स। Thank you. मुझे डर लग रहा है। कैसा लड़का है तू? छह। मूड ऑफ हो गया मेरा। हेलो, सो रहे हो क्या तुम? मुझे नींद नहीं आ रही है। प्लीज, तुम अभी घर आ सकते हो क्या? हाँ? अभी इतनी रात को घर पे सब जाग जाएंगे। ठीक है, कल लंच ब्रेक में आ जाओ। अगले दिन तुम उसके घर गए थे क्या? वो सर मन तो किया था। एक मिनट, हाँ विग्नेश। क्राइम सीन में जो फिंगरप्रिंट मिला है सर, उसका जो मार्क है वो संदीप विश्वा मनोज, वैसे उस फिंगरप्रिंट के साथ भी मैच हो रहा है सर। तो फिर अनिल का? अनिल का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है सर। मतलब अनिल का जो कार्ड स्वाइप और स्क्रिप्ट को देखा जाए तो वो क्राइम सीन में गया नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सर, पांचों का मोबाइल नेटवर्क ट्रेस किया है। इनमें से चार लोगों के मोबाइल नेटवर्क क्राइम स्पॉट पे डिटेक्ट हुए हैं सर, लेकिन अनिल का मोबाइल नेटवर्क उस दिन नागरभाव सर्कल पे डिटेक्ट हुआ है। नागरभावी सर्कल में उस अनिल का सुपरमार्केट है, वहां जाकर उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। वहां अनिल रहा तो उसका कार्ड जो मिस हो गया है वो सच हो सकता है। यस सर। आगे बोलो। मैं अपना काम कर रहा था सर। यूजुअली दोपहर के टाइम पे कस्टमर ज्यादा होते हैं। शॉप में बहुत काम था, लेकिन फिर भी जस्सी मुझे बार बार कॉल कर रही थी। उसका कॉल उठाने का टाइम ही नहीं मिला सर, तो जस्सी खुद ही हमारी शॉप में आ गई। हेलो मैडम। हाँ? फोन कर देती तो घर ही भेज देता मैं। यहाँ थोड़ा सा काम था इसके लिए आई थी। कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगी। ठीक है। क्या ऐसे देख रहे हो? मैंने घर बुलाया था ना। तुम खुद ही देख रही हो ना, कस्टमर्स कितने ज्यादा हैं। वो सब ठीक है, फोन क्यों नहीं रिसीव किया? अनी, हाँ? मैडम के लिए डिस्काउंट दो। हाँ पापा। मुझे जो डिस्काउंट चाहिए वो ये नहीं। एक घंटे के बाद मैं खुद तुम्हारे घर आता हूँ। प्लीज तुम खुद यहाँ मत आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्रेजी बॉय। कितना इंतजार कर रही थी मैं, पता है? क्या हुआ? पता नहीं, तुम्हारे नजदीक आने पर बहुत डर लग रहा है। मैं खुद अपनी मर्जी से आया था, बट सॉरी। ठीक है, जाने दो, लगता है मैंने अर्जुन बुला लिया।
सॉरी, थोड़ी देर के लिए कुछ तो बात करेंगे, बोलो। तुम्हारे पति से अलग क्यों हुई थी? उनको तो सिर्फ पैसा कमाना है, मुझे टाइम ही नहीं दे रहा था, इसके लिए अलग हो गए। तो तुमने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? शादी करने जैसा कोई और नहीं मिला। तो मैं क्यों पसंद आ गया? तुम छोटे हो ना, तुम्हारा दिल बड़े लोगों जैसा बुरा नहीं है, और ऊपर से दिखने में भी बहुत क्यूट लगते हो, सो आई लाइक इट। कितना शर्मा रहे हो। अरे क्या है, लड़कियां अभी इतना नहीं शर्माती है। क्या करूं, मैंने अपनी पढ़ाई बॉय स्कूल से ही की है, लड़की से कभी फ्रेंडशिप ही नहीं हुई, मेरी फैमिली पुराने ख्यालातों वाली है, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। तुम्हारे पास स्मार्टफोन है ना, पॉर्न वीडियो नहीं देखा क्या? देखा है ना। तो फिर उससे भी बड़ा एजुकेशन चाहिए क्या? मुझे भी वो सब करने का दिल तो करता है, पर लड़की के पास आते ही डर जाता हूँ। ये जो डेटिंग एप्स है वो जानते हो ना तुम? फेसबुक में ऐड तो देखी है, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ट्राई करो, उन लोगों को तुम ठीक से नहीं जानते हो, उनके साथ जो चाहे बात कर सकते हो, तभी थोड़ा ओपन अप हो जाओगे ऐसा लग रहा है। फोन दो, एक हफ्ते के लिए ट्राई करो, उसके बाद मैं खुद मना करूंगी, तब तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओगे। हाय, मायसेल्फ अनिल। क्या चाहिए आपको? आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक। मैं आपको एक अकाउंट नंबर बोलूंगी, उसमें आप 1500 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपके सामने पूरी न्यूड हो सकती हूँ। न्यूड? अरे बाप रे। हाय। हाय। बोलिए ना डियर, इससे पहले कभी आप सेक्स किए हो क्या डियर? नो नो, आई एम स्टिल वर्जिन। ओह, अच्छा, मैं आपको शुरुआत से सिखाती हूँ, मुझे आप कितने रुपए दोगे? आई वॉन्ट टू सी योर बूब्स। उससे पहले आप मेरे अकाउंट में 2000 रुपए ट्रांसफर कर दो। ओके, वेट, आई विल ट्रांसफर द अमाउंट। बहुत बहुत शुक्रिया, पैसा मिल गया। आपको अभी मैं क्या दिखाऊं? फुल बॉडी, फुल बॉडी। अरे बाप रे, मैं बहुत डिसेंट फैमिली की लड़की हूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगी। अगर तुम चाहो तो इसे देख लो। Hey, I have sent you 2000 rupees. You have to show me your full body. अरे बेवकूफ कहीं के, इतना ही मैं दिखाऊंगी तुम्हें, देखना है तो इसे देख लो, नहीं देखना है तो फोन काट कुत्ता। हाय, अनिल हियर। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में बात कीजिए ना। मुझे देखना है। क्या देखना है? बॉडी देखनी है। पैसा भेजो मेरे अकाउंट में, मैं दिखाती हूँ। उसके बाद मेरे साथ चीटिंग तो नहीं करोगी ना? देखना है तो पैसा भेजो मेरे अकाउंट में, नहीं तो फोन काट दो, समझ में आ गया या नहीं? हाय, मेरा नाम अनिल है, तुम्हारा नाम? डायरेक्ट मैटर पे आ गए ना, जरा 1000 रुपए भेजो, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दिखाऊंगी। उसके बाद धोखा दिया तो? डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। कैसे मानू? पहले मैं टॉप निकालती हूँ, तब तो पैसे भेजोगे ना? हाँ, ओके। ए बेवकूफ। हा? मैं यहीं पे हूँ, कहीं भी नहीं जाने वाली, जल्दी से पैसे भेज। हा? ऐसा लग रहा है कि पहली बार देख रहे हो, अच्छा है क्या?
अरे बहुत अच्छा है। मुंह बंद करो, बहुत हो गया देखना, कल तुम इसी वक्त पे कॉल करना। बाय बाय। हाय। आज पूरा दिखाओगी? मैंने पहले ही 3,000 रुपए भेज दिए हैं। हो गया ना? थोड़ी देर और देखना है। मैंने अपने कपड़े उतारे, अब तुम अपने कपड़े उतारो। नहीं बाबा, मैं कपड़े नहीं उतारूंगा। ऐसी बात है, ठीक है छोड़ो। हे, हे। तुमने कल कॉल क्यों कट कर दिया? तुमने जो कहा मैंने किया, पर मैंने जो कहा तुमने नहीं किया। मैंने तो पैसे दिए थे, इसीलिए तो तुमने कपड़े उतारे। ओ अच्छा, तो मुझे भी पैसे देने होंगे। नहीं, मैं उतारता हूँ, पहले तुम उतारो। थैंक यू, बाय। कल दोपहर में तुम्हारे घर आता हूँ, रेडी रहना। पता है, बहुत बड़े खिलाड़ी हो तुम। ओह शिट, क्या हुआ? हाँ? नहीं कुछ नहीं, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। दोबारा इस नंबर पर कॉन्टैक्ट मत करना, ये नंबर आज से डीएक्टिवेट हो जाएगा। पुलिस को कंप्लेंट करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, और वो लोग हमें ट्रेस भी नहीं कर सकते हैं। तेरी तो बस 4 घंटे का टाइम है तेरे पास। कहाँ गया था? पापा वो फ्रेंड से मिलने गया था। क्या हुआ, उसे क्यों मार रहे हो? ऐसा क्या किया इसने? वीडियो दिखाता हूँ, रुको। वीडियो? तुम्हारे बेटे ने क्या किया है तुम खुद ही समझ जाओगी। अरे बाप रे, ये सब क्या है बेटा, क्या हो गया है तुझे, ये सब क्यों कर रहे हो? तुम अगर मांगोगे तो क्या मैं नहीं दूंगा? किस लिए चुराया तुम्हें? क्या मैंने यही शिक्षा दी है? बताओ। एक फ्रेंड को अर्जेंट जरूरत थी, इसीलिए निकाले थे। सॉरी पापा, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। सॉरी बेटा, मुझे मारना नहीं चाहिए था। बोलो। प्लीज मेरे वीडियो को डिलीट कर दो। वीडियो डिलीट करवाना चाहते हो तो अगले 4 दिनों तक उसी अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर करो। गुरु, इसके साथ बात करना सर। हाँ, दिखाओ। हाँ, देखो। हेलो, ये वीडियो को हर जगह अपलोड कर दो, मेरे को फेमस कर दो, मुझे कम से कम बिग बॉस में तो जाना ही है। अरे ये यूज नहीं है, छोड़ो। ठीक है भाई, इससे जरा बात करो। ओए, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? ऐसे डराती रहोगी तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा मैं। पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तेरी पुंगी बजा के भेज देंगे।
इसका वीडियो वायरल कर दो। ओके। हेलो, मैसेज देखा क्या? तुम लोग ऐसे ही टॉर्चर करते रहे तो तुम्हारा नंबर लिख के मैं सुसाइड कर लूंगा। ए यार छोड़ो, सुसाइड करने की बात कर रहा है, आगे पीछे होगा तो मुश्किल हो जाएगी। सुनो, और कोई है क्या आज के लिस्ट में? दो लोग लाइन में आए थे, फोन नहीं उठा रहे, कॉल कट कर दी है। अरे उनके मोबाइल का डिटेल मिल गया ना, हैक करो, उसके पर्सनल फोटोज वीडियो इकट्ठा करो और फिर उसे एक मैसेज कर दो, नहीं तो छोड़ दो उसे, कोई दूसरा बकरा देखो। अनी, सी हियर, कैसी लग रही हूँ? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? वो 50,000 की जरूरत है और मेरे पास नहीं है, मैं बस उसी टेंशन में हूँ। बस इतना ही ना, आ जाओ। ये पैसा तुम्हें चाहिए तो यू हैव टू डबल सैटिस्फाई मी। ए सुषमा, तुम्हारे जाल में जो फंसा है लगता है कोई अमीर खानदान से है। 50,000 देने के लिए उसको 4 दिन का टाइम दिया, उसने एक ही दिन में ट्रांसफर कर दिया। ऐसी बात है तो उसे छोड़ना मत, अगली बार उससे 2 लाख मांगेंगे। हाँ? अरे मांगने के लिए मन बना लिया, 2 क्यों 5 मांगते हैं। ए रुक, कॉल। हेलो। ये क्या नाटक लगा रखा है, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? इसके बाद हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, हम इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। फ्लाइट टिकट व्हाट्सएप किया है, चेक करो। तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा मैं। अब ओए, तुम्हारे पास हमारे खिलाफ क्या सबूत है जो पुलिस कंप्लेंट करोगे? हाँ, हम एक बार जो फोन नंबर यूज करते हैं दोबारा यूज नहीं करते, और उस वीडियो में सिर्फ तुम्हारा चेहरा है, मेरा चेहरा तो ब्लर है। फिर भी तुम्हें कंप्लेंट करनी है तो जाओ बॉस, कंप्लेंट कर दो। मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। ऐसा क्या? ठीक है, आज रात को तुम्हारा पूरा वीडियो वायरल कर दूंगा, एंजॉय करो। नहीं पापा। फिर ऐसे क्यों खड़े हो तुम? हा? वो बस ऐसे ही बोर हो रहा था। अरे काम पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो। हेलो, पैसे अरेंज करता हूँ, प्लीज मेरा वीडियो वायरल मत करना। हे, देखो तुम्हारे लिए कितने वैरायटी फूड्स रेडी रखे हैं। पहले ये खाना खाएंगे या ये खाना? वो सब बात पहले मुझे तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करनी है, तुम बैठो। एक्चुअली मैं और मेरा फ्रेंड मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मैं पूछ रहा था कि, गलत मत समझना, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? देखो अनी, पैसों को लेकर हमारा रिलेशनशिप बिगड़ जाए ये मैं नहीं चाहती हूँ। तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन जाओ, हम दोनों शादी करेंगे, बाद में मेरे पास जो है वो तुम्हारा है, हम दोनों एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। सी, 5,000, 10,000, 50,000, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील, बट 5 लाख
इट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट? करेक्ट, सही बात है. रहने दो, मैं कहीं और ट्राई करता हूँ. ओके, बाय. अनी, एक मिनट. देखो, पैसा जरूरी है ऐसा नहीं बोल रही हूँ. ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए अट्रैक्ट हुई थी, सेक्स को लेकर ही, मान लेती हूँ. बस उतना ही नहीं, इस बीच में तुम्हारे साथ मेरी एक इमोशनल बॉन्डिंग हो गई. वे विल कंटिन्यू दैट, लेट्स मेक अ फैमिली. ऐसा नहीं हो सकता, घर वालों से क्या कहूंगा. वी हार्डली हैव 10 इयर्स ऑफ डिफरेंस. इस तरह कितने लोगों की शादी हुई है. ए, मैं किसी तलाकशुदा आंटी की, जिसने अपने पति को छोड़ दिया, उससे शादी नहीं करूंगा. अपने पति को छोड़ दिया है उस आंटी ने. क्या कभी तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया था क्या? हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जा रहा हूँ. अनी, अनी, अनी रुक जाओ. अनी, अनी प्लीज रुक जाओ. अनी प्लीज लिसन टू मी. अनी, अनी, अनी. अरे वो चला गया, क्यों रो रही हो? हम चार लोग हैं, ओके क्या? इडियट. बस उतना ही सर, उसके बाद मैं वहां पर कभी नहीं गया. बोलो, जहां कत्ल हुआ है वहां पर तुम लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले? इसका नहीं. सच बोलो, क्या हुआ था वहां? सर, कल सुबह अनिल के सुपरमार्केट में पावर फ्लक्चुएट होने से सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई है सर. कल शाम के 7 बजे तक कोई भी फुटेज नहीं है सर. He's playing with us. ऐसा कैसे एक ही दिन में तुम्हारा डेबिट कार्ड चोरी हो गया, सीसीटीवी भी क्रैश हो गया? यहाँ देखो, तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है. सच बोलो, कैसे हुआ? 100% बैंक काउंटर में मार दूंगा. बताता हूँ सर, वहां से वापस आने के बाद जैसी बार बार कॉल कर रही थी, तो मैंने फोन ऑफ कर दिया, पर नींद ही नहीं आ रही थी सर. अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा वीडियो वायरल हो जाता, और उस वजह से शायद मेरे माँ बाप सुसाइड कर लेंगे, ऐसा डर लग रहा था. दीदी की शादी टूट जाएगी और वो भी सुसाइड कर लेगी, ऐसा मन में चल रहा था. दूसरी तरफ जैसे शादी नहीं की तो रेप का केस कर देगी, ऐसा कहकर मुझे ब्लैकमेल करेगी, ऐसा भी सोच रहा था. अगर ये बातें बाहर आ गई तो आस पड़ोस के लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? इससे बचने के लिए मैंने सुसाइड करने का सोचा, पर हिम्मत नहीं हुई सर. लेकिन तभी मुझे जस्सी के कबर्ड में रखे पैसे याद आए. कैब किस लिए? कौन कौन हो तुम? कितनी बार कॉल किया, रिसीव क्यों नहीं किया? हैप्पी बर्थडे. नहीं चाहिए, किसे चाहिए तुम्हारा बर्थडे विश? मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ जरा देखो तो सही. जायदा तुम्हारे नाम कर देती हूँ, प्लीज मुझसे शादी करोगे? वही बात करने तो आया था. आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है. आंखें खोलो. मुझसे शादी करना चाहती हो? अपनी बेइज्जती से बचने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था. फिर मैंने इंटरनेट का सहारा लिया, चेक किया कि पुलिस वाले खूनी को कैसे पकड़ते हैं. वहां से पता चला कि फिंगरप्रिंट्स को कैसे गायब किया जाता है, और उसी के मुताबिक मैंने जहां जहां छुआ था उन सभी जगहों पर मैंने स्प्रे डालकर साफ कर दिया. और एक पॉइंट, मोबाइल नेटवर्क. जस्सी के घर जाने से पहले मैंने मोबाइल को दुकान में रख दिया, तभी याद आया कि सीसीटीवी कैमरे की वजह से मैं पकड़ा जा सकता हूँ, और इसलिए मैंने खुद ही उस सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव को बिगाड़ दिया. जस्सी के घर में पहले से ही सीसीटीवी है, ये मैं पहले से जानता था, इसलिए मैंने वहां के हार्ड ड्राइव को भी उठा लिया. गिफ्ट खरीदते वक्त मेरा चेहरा सीसीटीवी में ना आए इसलिए मास्क पहन लिया, लेकिन उस गिफ्ट की रसीद मैंने गलती से अपने जेब में ही रख दी. खून इसने किया है, इसने तो मान लिया.
लेकिन जहां खून हुआ था वहां तुम चारों के फिंगरप्रिंट्स कैसे पहुंच गए? हेलो, पोस्टमार्टम हो गया ऑफिसर। लेकिन मरने के 4 घंटे के बाद में उस डेड बॉडी के ऊपर गैंगरेप हुआ है। वैसे ही बॉडी में जो सैंपल मिला है वो इन 4 लोगों का डीएनए के साथ मैच हो रहा है। मरने के बाद उसे नहीं छोड़ा? सर उस दिन शाम को हम उसके घर के सामने से गए थे सर। आस पड़ोस के सारे घरों की लाइट ऑन थी सर, सिर्फ उसके घर की लाइट ऑफ थी सर। कार बाहर खड़ी थी सर, फिर गेट खोलकर सर हम अंदर चले गए। दरवाजा खुला हुआ था सर, यही चांस था सर हम अंदर चले गए। जैसे ही लाइट ऑन किया सर, जस्सी का डेड बॉडी दिखाई दिया। जब जिंदा थी तब हमें पास आने नहीं दिया, अब मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। जानवर कहीं के। सर, इस नंबर से ही मुझे ब्लैकमेल के कॉल्स आ रहे थे सर। कोई नंबर एक्टिव नहीं है सर। कौन से अकाउंट नंबर से तुमने पैसों को ट्रांसफर किया? नंबर दो। जी। कौन चाहिए सर? मैनेजर कहाँ है? वो तो हेड ऑफिस की मीटिंग में है सर। इस अकाउंट की डिटेल्स चाहिए। देता हूँ सर। सर, डोर लॉक है सर। आपको कौन चाहिए सर? ये लक्ष्मी का घर है। नहीं सर, उनको मरे तो 4 साल हो गए। मतलब घर में कोई नहीं है? उनकी बीवी थी सर, उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी इसलिए उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आ गए सर। उनकी कोई औलाद नहीं थी सर। सुनो सब लोग, आगे से आरआर नंबर का कोई अकाउंट नंबर मत देना, पुलिस कंप्लेंट दर्ज हुआ है। कोई और अकाउंट नंबर दे देना। थैंक यू। इस अकाउंट को कौन मिस यूज कर रहा है इसे ट्रेस करके पता नहीं लगा सकते क्या? सर, यहाँ पूरा डिजिटल अकाउंट है सर। ऑनलाइन ही ट्रांसफर करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं। कितने लाखों में कस्टमर्स हैं सर, उन सबको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। कौन कौन से एटीएम से पैसे विड्रॉ किए गए इसकी डिटेल दे सकते हो? एक मिनट, जरा जूम करो थोड़ा और। कौन था वो? रवि नाम है सर। कहाँ रहता है? सर वो एक जगह पे नहीं रहता है सर, फोन को ट्रेस करते हैं सर तो वो बस में अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है सर। फोन नंबर।
मारन, आज तुम्हारे गांव में भी पूजा थी ना, मेरे लिए प्रसाद लेकर नहीं आए? वो क्या है ना, हमारी जाति के लोगों का बनाया खाना तुम खाओगी या नहीं, तो इसलिए लेकर नहीं आए। वो क्यों, तुम्हारी जाति के लोग प्रसाद में जहर मिला देंगे? देखो मारन, भक्ति के लिए, प्यार के लिए कोई जाति भी नहीं है और न ही धर्म है। अगर मन साफ हो तो पीने वाला पानी गंगा है, छूने वाला पत्थर भगवान। तुम जो बोल रही हो वो सिर्फ बातों के लिए है। सुमति, अगर वही उस हिसाब से रहा होता तो क्या इस तरह हम छुप छुप कर बात करते? कहीं हमारा प्यार इस अंधेरे में खो ना जाए, ऐसा हमेशा डर लगता रहता है मुझे सुमति। भगवान है मारन, एक न एक दिन इन लोगों के दिल से जाति का भेदभाव मिटाकर मन को शुद्ध कर देंगे, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है, चलो। ले लो बड़ी माँ। अरे पुराना उधार चुकाया ही नहीं, नहीं चाहिए बेटी। अरे बड़ी माँ, हमारी परेशानी को दूर करने के लिए पैसा है। अभी नई नई शादी करके घर में बहू आई है, घर में सबको अच्छा खाना पका कर देना। अरे ये लो, रख लो। हमारी तकलीफ को वो भगवान देख रहा है या नहीं, लेकिन तुम जरूर देख रही हो बेटा। दीदी। कब आया मक्खन चोर कृष्णा? अरे ये तो अभी अभी आया है, और जब से आया है तब से बोल रहा है दीदी से मिलना है, दीदी से मिलना है, इसीलिए लेकर आई हूँ। तुमने आने की तकलीफ क्यों उठाई नेत्रा? किसी से कह दी होती तो मैं खुद आ जाती। क्या करती दीदी, ये बहुत जिद कर रहा था इसलिए। अरे बाप रे, हमारे बड़े साहब आए हैं क्या? आज फल तोड़ के दोगे क्या? तुम तो बस खाना खाने के लिए स्कूल से छुट्टी लेकर इतनी दूर चले आए हो, मैंने तो सोचा कि मामा से मिलने आए हो। नहीं मामा, मैं तुमसे ही मिलने आया था। बैठो। दीदी से मिल लिया ना, अब चलो। नहीं, मैं दीदी के साथ रहूंगा। रहने दो नेत्रा, आते वक्त लेकर आती हूँ, तुम घर जाओ। बीजी, इसे छोड़ कर आओ। हाँ, ठीक। आओ ना। कुमार, बदमाशी मत करना। आ जाओ, आ जाओ। उठा लो मामा। आओ। जा। दीदी, कुमार कहाँ है? तुम्हारे हाथों से बना हुआ देसी मुर्गी का सालन खाने का मन करता रहता है बस। उसके नाम का बहाना क्यों, तुम खुद खाने के लिए तरस रहे हो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा दीदी, ना मानो तो कुमार से पूछ लो ना। ऐसा है क्या बड़े साहब? हाँ, हाँ दीदी। अरे तेरे जैसा ही बचपन में ये खाना बार बार मांग कर खाता था, तेरे जैसा ही दिखता था। अगर इसने खाने का सोच लिया तो बार उपवास कुछ भी नहीं देखता था। ये इतनी जिद करता था कि आधी रात मुर्गी को काटकर सालन बनाना पड़ता था। एक दिन तो सालन बनाने तक ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाया और नमक मसाला डालने से पहले ही कच्ची मुर्गी को खा लिया था। दीदी, अरे क्या है मारा? जो अपनी खुद की माँ है उसने इसको सड़क पर फेंक दिया। उस बच्चे को तुमने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया पार्वती, ये बच्चा तो सच कहूँ तो तुम्हारे हाथ की किस्मत है। सब किस्मत का खेल है बड़ी माँ, मेरे लिए भी रिश्ते के नाम पर आगे कौन है बोलो। इसके मिलने के बाद मुझे भी एक सहारा मिल गया, जो रास्ता मुझे नहीं दिख रहा था ये मेरा वो रास्ता बन गया। दीदी ऐसा मत बोलिए ना, सिर्फ मारन ही तुम्हारा भाई नहीं है, हम सब भी आपको अपनी बड़ी बहन की नजर से देखते हैं दीदी। मामा इधर देखो मामा। अरे नाव क्या है? अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नाव क्या है। अच्छा एक काम करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो ना। अब आंखें खोलो। अरे नाव। अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है मामा। मामा को थोड़ा काम है, तुम इधर ही छांव में खेलो, मेरे भांजे को चलेगा ना। संभल कर रहना।
कुमार, अरे कुमार क्या हुआ ऐसे? उठो कुमार उठो। अरे बाप रे, ये तो मर गया है बेटा। हमारी आंखों के सामने हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा पार्वती, अब इसे गांव कैसे लेकर जाएंगे? गांव लेकर जाएंगे तो बड़ा रामायण बन जाएगा राजप्पा। गांव वाले कहानी सुना के मजाक उड़ाएंगे, ऐसे में वहां दफना सकते हैं क्या? सच पता होते भी हमें घुट घुट के जीना होगा, ये तो अलग कहानी है। अनदेखा करने में ही भलाई है। अब हम क्या करेंगे? जो मर गया वो वापस लौट के नहीं आता, इसे यही दफना देते, हमारे साथ ही रह जाएगा। नेत्रा चलो उठो, हाथ पैर धोकर आ जाओ, थोड़ा सा खाना खा लो। कल से एक बूंद पानी भी नहीं पिया। भले तुम खाना खाए बिना रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पेट में रहने वाले बच्चे का क्या कसूर? चलो। सर झुका कर जीने वाले नालायक लोग, मेरी जमीन को कब्रिस्तान समझ रखे हो? तुम्हारे बाप की है क्या वो जमीन? हाँ? बिना मुझसे पूछे लाश को वहां कैसे दफनाया? ये क्या न्याय हुआ? जो अंदर दफनाया है उस लाश को उठाकर बाहर फेंकना कोई न्याय है? और क्या, उस जगह में मंदिर बनाने के लिए बोल रही हो? पागल कहीं की। सुनो, हम लोगों में जब हमारे आदमी मरते हैं तो उन्हें जलाया जाता है, वैसे में मेरे ही जगह में जमीन को शमशान बनाने के लिए निकल पड़े हो? तुम लोगों की हवा लगने से भी पाप है, ऐसा सोचकर जीने वाले में से हैं हम। उठा कर लेकर जाओ इस दरिंदे को। ए माइला। जी मालिक। गौमूत्र लेकर आओ। जी मालिक। सुबह सुबह शनि को घर के सामने लाकर सबके साथ मंडरा रहे हैं। मालिक, आपको बड़ा बनाने के लिए मेहनत करने वाले हम हैं, ये बात याद रख लो। हमारी वजह से आप मालिक बने हैं। हम लोगों को आपकी बराबरी में नहीं देखे तो भी चलेगा, पर इंसान की नजर से तो देखो। अबे भिखारी, मेरे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कैसे हुई? दीदी। ए, मेरी दीदी को डंडा मारा तूने? मार कर दफना दूंगा तुझे। मारा? तुम छोड़ो दीदी, इसे तो काट कर रख देता हूँ। चर्बी वाला कुत्ता कुछ भी भौंक सकता है, लेकिन सड़क के कुत्ते जैसा तुम क्यों भौंक रहे हो? हमसे भी हीन जाति का ये इंसान है। क्या बोली चमेली? तुम्हारी जाति का बल ज्यादा है तो हमारा दो गुना बल है। अगर तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे ना तो जमीन से नीचे आ जाओगे।
इसके आगे से हम भी लाश जलाएंगे। जीते जी हम अलग अलग जी रहे थे, मरते वक्त हम साथ में जाएंगे। चलो मालिक की जमीन ही हमारा जीने का सहारा है। ऐसा सोचकर हम सब लोग मेहनत कर रहे थे ना, कम से कम उसको लेकर उन्हें इंसानियत भी तो दिखानी चाहिए थी। अरे वो कब इंसानियत दिखाता है पीछी, उसकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में यही तो फर्क है बेटा। हमारी समस्या में भी उसने साथ नहीं दिया। वो हमें नजरअंदाज करता है, उसको सबक सिखाने के लिए हम काम पे नहीं जाएंगे। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, बातों बातों में हीन जाति करके बेइज्जती कर रहा था ना। अपने ही जाति के लोगों से काम करवाए तब उसे पता चलेगा। हम गरीबों की जान उस जमीन में ही तो बसी है, उन बड़े लोगों के खिलाफ हम कैसे खड़े हो सकते हैं? खड़ा होना पड़ेगा, इतने सालों तक उनकी गुलामी करते आ रहे हैं, इसीलिए हमारे सर पर चढ़कर बोल रहा है वो। हाँ बिल्कुल, हम लोग सब एक साथ अपने पैरों पर खड़े होंगे और उन लोगों को मिलकर सबक सिखाएंगे। कोई भी वजह हो काम पर नहीं जाना है, अगर सर उठाकर देखा तो हाथी भी झुक जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को कोई इज्जत नहीं मिलती। आज उनके साथ हुआ कल हमारे साथ भी होगा। ऐसे धनी लोगों के खिलाफ खड़े होकर कैसे जिएंगे? वो कोई भी हो आसमान से नहीं आया है, सब लोग पेट से ही निकले। इस बार जो भी होगा हम लोग सारे मिलकर देख लेंगे। सब लोग एक हो गए रामाकृष्णा, हमारी परछाई को भी देखकर डरने वाले कुत्ते हमारे सामने ही सीना तान कर चल रहे हैं। और भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, इस मामले का सुलझाव ना मिलने तक काम नहीं आएंगे ऐसा मुंह पर बोल रहे हैं। शेर बैठ जाए तो चूहा भी कूदी मार कर खेलेगा, अच्छे से उन लोगों को सबक सिखाना होगा। देखो जो हुआ सो हो गया, ज्यादा मामले को बढ़ाओ मत, फसल का वक्त है, बारिश आने पर फसल का नुकसान हो जाएगा, आदमी लोग नहीं आए तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। देखो रामाकृष्णा, तुम्हारे अकेले की वजह से सबको परेशानी हो रही है, कुछ भी करके मामले को सुलझाओ। मान मर्यादा को छोड़कर उस हीन जाति के लोगों के पैरों में गिरने के लिए बोल रहे हो? अगर पैरों में गिरना भी पड़े तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जिस दिन सही वक्त आएगा उसका वो पैर काट के फेंक देंगे। फसल का वक्त पूरा होने दो, दूसरे गाँव से आदमी लोगों को बुलाकर इन नालायकों को ठिकाने लगा देंगे। और क्या है, मजदूरी ज्यादा चाहिए? चलेगा ना? ऐ, इस तरह घमंड दिखाओगे तो भूखे मर जाओगे। हर चीज के लिए तैयार होकर ही हम फैसले पर आए हैं, स्वाभिमान से बढ़कर कोई बड़ा नहीं होता। खाने का ठिकाना नहीं और स्वाभिमान की बात, इतने सालों तक काम दिया, रहने के लिए जगह दी और आज सब कुछ बुलाकर मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहते हो। कभी भी इंसान को नमक के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। बदले में हमने दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाया है, हम नीच जाति बनकर रह रहे हैं, इसी वजह से आप बड़े बन गए हो। अभी क्या चाहिए तुमको? हमें इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा। पागल, इज्जत और प्रतिष्ठा ये देने वाली चीज नहीं है, पैदाइशी मिलता है, जाति से मिलना चाहिए। अबे हम तुम्हारी परछाई ही छू नहीं सकते, अब ऐसे में तुम और हम बराबरी। हम लोग यहां बैठे हैं, अगर उड़ गए तो बराबर हो जाएंगे। ये यही रुकने वाला नहीं है, अब हर कदम आगे बढ़ते ही रहने वाला है। इस तरह हद पार करने के बाद हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। कल को हम सार उठाकर जी नहीं सकते।
हमारे ही बीवी बच्चे हमें इज्जत नहीं देंगे। जल्दी से जल्दी वो लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग सर पे बैठ जाएंगे हम लोगों के। उस भाई और बहन की हिम्मत की वजह से ये सब हो रहा है। सबको इकट्ठा करके हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया उस लड़की ने। दो लाश गिरेगी तो अपना मुंह बंद करके हमारे पैर में आकर गिर जाएंगे। सच है, मेरे रास्ते में कांटा बनकर बिछने वाले को हटा दिया तो किसी को इस तरह सर उठाने की हिम्मत नहीं होगी। जो हमारे खिलाफ खड़ा हो उसे ही हटा दिया जाए। किसने भेजा है? क्या हुआ? उन दोनों को काट कर रख दिया क्या? मालिक, मारन के साथ आपकी बेटी भी है और वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। अबे कीड़े कहीं के, मतलब किसके सामने क्या बात करनी है? इतना भी ज्ञान नहीं है तुझे? निकल यहां से। रामाकृष्णा, कितने दिनों तक एक गुना रहने वाली है, परेशानी अब दुगुना हो गई है। देखा जाए तो सांप और सीढ़ी के खेल में सांप सीढ़ी के ऊपर है। इसका मतलब यह है शक्ति का इस्तेमाल करने की बजाय जाल बिछाकर जीतने में अकलमंदी है। इस मौके को हाथ से जाने मत दो। अब तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है बताओ? मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जो भी बची खुची जिंदगी है उसे जी रहा हूं। देखो बेटी, पापा से छिपकर बेटी किससे प्यार कर रही है, मतलब इतनी बड़ी हो गई है। वैसे बेटी, छोटी सी चीज में भी तुम अनुमति लेती हो। अब इतना बड़ा फैसला लेने से पहले इस पिता की याद नहीं आई तुम्हें? ऐसी बात नहीं है पापा। प्यार में तो लोग दुनिया को ही भूल जाते हैं, वक्त के बदलते ही दुनिया का पता चल जाएगा। मैंने तुम्हारे प्रति जो भरोसा रखा था उसके बदले में तुमने अच्छी इज्जत दी। पापा, ऐसी बातें मत करिए पापा। बचपन से ही मैंने अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा। आपने ही माँ बाप बनकर मेरी परवरिश की है। आप हमेशा मेरे दिल में रहते हैं पापा। इसका मतलब इस पापा के लिए तुम कुछ भी करोगे क्या? उसे भूलने को कहूं तो भूल जाओगी क्या? क्यों झूठ बोल रही हो बेटी? पापा की बात का इतना ही कीमत है? बेटी, तुम घर से भागकर घर की इज्जत तो गंवाओगी नहीं ना? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पापा? देखो बेटी, इतना कुछ होने के बाद मेरी जगह कोई और होता तो मैं उसे सबक सिखाता था। अभी मेरी ही बेटी नीच जाति के लड़के से प्यार कर रही है, ऐसा लोगों को पता चल गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? कोई मेरी बात सुनेगा क्या? क्या मैं किसी को चेहरा दिखा पाऊंगा? पापा, मारन बहुत अच्छा लड़का है पापा। मतलब मैंने अपने भरोसे को नहीं छोड़ा, तुम जाति को ही छोड़ने की बात कर रही हो? रहने तो छोड़ो, चार लोग चार तरह की बातें करेंगे तो भी चलेगा, भले ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जा चलेगा।
मेरी बेटी की खुशी ही मेरी खुशी है। तुम खुशी से जियो। हाँ, लेकिन एक बात है बेटी, एक बेटी का बाप होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है। आखिरी वक्त तक मेरी बेटी को अच्छे से संभाल लेगा, तेरा ख्याल रखेगा, यही चाहिए मुझे। कल उसके साथ बात करेंगे, अभी सो जाओ, जाओ सो जाओ। तुझे पता है मालिक ने क्यों बुलाया मुझे? पता नहीं। ए रुक, तुम जाओ। आता हूं, रुको। क्यों भाई, मुझे नहीं जाने दोगे? बहुत प्यार से पलकों पर बिठाकर अपने नाजों से मैंने पाला है अपनी प्यारी बेटी को। जब से पता चला कि वह तुझसे प्यार कर रही है, ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। कोई भी मिलावट हो, लेकिन खून का मिलावट नहीं होना चाहिए। मेरी जाति ही जान है, ये समझ ले तू। फिर भी जाति को भूलकर क्यों मान गया पता है तुझे? अपनी बेटी के प्यार के लिए, समझा? लेकिन एक बात, सबके सामने मेरे खिलाफ खड़े होकर मेरा अपमान करने वाली तेरी बहन को किसी भी वजह से मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ खड़े होकर मेरी आंखों से आंखें मिलाकर बात करती है भिखारी, वो जमीन में दफन होगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। सुनो, मेरी बेटी तुम्हें चाहिए तो अपनी दीदी से तुम्हें दूर होना होगा। अब समझ में आया, सूरज आज पश्चिम से कैसे उग गया। वैसे तो हमारी परछाई को छूना भी पाप समझने वाला, रिश्ता जोड़ने के लिए कैसे बुला लिया। हाँ, आप तो अच्छे से बातों का मसाला बनाकर पीसते हैं। सुमति तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे लोगों के प्रति मेरे दिल में रहने वाला प्यार इज्जत उससे भी 100 गुना है। मेरे अकेले के स्वार्थ के लिए मेरे भरोसे में रहने वाले लोगों के साथ धोखा बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। ऐसा हैवान जाति का नहीं हूं जो कि कुछ भी कर जाऊंगा। तुम्हारे लिए तो मैं एक बकरे के समान ही हूं ना। अगर तुम अपना सको तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। धनी का क्या चक्कर है, अपनी बेटी के प्यार को लेकर उससे नाराज होने के बजाय उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं। अरे बड़े लोग खुद सामने से आकर लड़की देने की बात करे तो कौन मना करेगा। अरे कोई भी हो, वो जाल बिछाने में बहुत माहिर है। वो लड़की देने की बात करे तो उस पर भरोसा मत करना। हाँ सही बात है, अगर उसको पैसा मिल गया तो वो जाति भी छोड़ देगा और ये लोग को भी छोड़ देगा। पुजारी को भेजो और मुहूर्त निकलवा लो। पापा, आपने मारन से बात की? क्या कहा उसने? इतनी जल्दी कैसे मान जाएगा, थोड़ा तो समय लगेगा। गुस्से में आकर थोड़ा ऊपर नीचे बात कर दिया, बेचारा लगता है थोड़ा गुस्सा हो गया है। आगे से ऐसा सब नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी ये शादी मंजूर है, कल से कोई भी समस्या नहीं रहेगा, ऐसा उसको बोल देना। ले लो बेटी प्रसाद, इसे देखकर अपने दिल में कुछ मत रखना। बहुत जल्द ही पंडित को भेजकर मुहूर्त निकलवाता हूँ, ऐसा बोलो। ठीक है, हाँ जाओ। मारन, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मेरे पापा ने पहले क्या किया है वो सब भूल जाओ तुम। पापा अब मान गए हैं, उनका मान जाना ही बड़ी बात है। बड़े होने के बाद भी वो खुद 2 कदम आगे बढ़े हैं, तुम्हें भी तो 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए ना। देखना कल सब ठीक हो जाएगा, उसके लिए बस तुम्हें थोड़ा बदलना होगा। अब तुम ये सोचना बंद करो मारन। ये लो प्रसाद, देखो ज्यादा सोचो मत, कल से हमारे साथ सब अच्छा होगा। ठीक है मारन, अब मैं चलती हूँ। दीदी,
औकात से बढ़कर तुम चाहत पाले हो मारा। आसमान और जमीन एक हो सकते हैं क्या? जिसने एहसान किया उसका भी बुरा चाहते हैं ये। हम लोगों के रिश्ते को मान जाएंगे? वो सब छोड़ो ना, तुम अपने दिमाग पर जोर मत लगाओ। ले लो प्रसाद, ले लो। मारन, ए मारन, अरे बाहर आओ। क्या हो गया इसे? क्या हो गया तुझे? तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। मैंने क्या किया? बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पी जाए तो पूरी दुनिया आंख बंद कर लेगी क्या? अरे क्यों बेकार में इस तरह की बातें कर रहे हो? ए मारा, अब चले आ। दीदी, हाँ दीदी, 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 दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? प्रसाद, अरे कैसा मूर्ख है तू, जिसने तुझे पार पोस के बड़ा किया, तूने उसको जहर खिला दिया। ये क्या बोलने जा रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा। कहां से मिला तुम्हें ये प्रसाद? किसने दिया तुमको ये प्रसाद? चुप क्यों हो तुम? किस सच बात क्या है? बोलो क्या हो गया इसे? जाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, गाड़ी लेकर आओ। दीदी, दीदी को कुछ हो गया है। अरे ये हमारे बीच रहकर हमारे खिलाफ ही साजिश कर रहा है। मालिक के साथ मिलकर साजिश रच रहा था और उनकी लड़की के साथ मौज मस्ती कर रहा था, मैंने खुद देखा है। ये सब क्यों कर रहा है जानते हो? ये नालायक उससे प्यार करता है, उस माता ने इसको ये प्रसाद दिया है, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। ए, पापी, इससे दूर हट जाओ। पार्वती, पार्वती। हमारे गांव में जो देवी बनकर हमारी रक्षा कर रही थी, वो पार्वती हमसे दूर चली गई। कोई भी हमारी जिंदगी को सुधार नहीं सकता बड़ी माँ। तूफान के साथ लड़ेंगे तो हमारा दिन का भी नहीं बचेगा। जहाँ हम रहते हैं वही हमारे लिए सही है। खून का बदला खून,
मतलब मौत। मेरी दीदी को जिसने शहर गिराया है उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। यार ये क्या बोल रहा है? अरे मेरी देवी जैसी दीदी को तुमने छीन लिया, अभी मुझे भी मौका मिल गया है। तू तो गटर के कीड़े से भी नीच जाति का है, मर जा कमीने। वजह से खून एक साथ नहीं मिलने का ऐसा बोल रहे थे ना? मेरा खून अभी दोनों का खून मिलकर एक हो गया है। मेरा एक दीदी का, एक सुमति का, दोनों का एक हो गया। तुम्हारी बेटी का कसूर क्या था? कन्नड़ा के शेर रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। कर्नाटका के सुपुत्र रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। कन्नड़ा के शेर रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। आज कर्नाटका में कनाडा के लोगों को एक पराये जैसी जीने की परिस्थिति आ गई है। यही जन्म लेकर, यही बड़े होकर, यही जीने वाले कनाडा के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। ये जो सरकार है कनाडा के लोगों के खिलाफ है, ऐसा हमें लग रहा है। सच बोलूं तो हम यहाँ प्रदर्शन करके मेरा और आपका, सबके अरमानों को पूरा करने के लिए जो हम लड़ रहे हैं, हमारा साथ देने वाले रामचंद्र जी पिछले एक हफ्ते से उपवास का सत्याग्रह कर रहे हैं। कर्नाटक के सुपुत्र रामचंद्रप्पा पांड्यन की, कर्नाटक के शेर रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। कम से कम थोड़ा रहम दिखाने के लिए ये जो सरकार कुछ अभियान चलाकर या अधिकारी लोग, हमारा फरियाद सुनने के लिए यहाँ कोई आया नहीं।
हम इसे दिल से खंडित करते हैं। कर्नाटका के सुपुत्र रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। कन्नड़ा के शेर रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। हमारे दिल को जीतने वाला नेता कनाडा की शान, कनाडा का वीर, कनाडा की रक्षा करने वाले हमारे प्यारे रामचंद्रप्पा पांडियन जी, इस कार्यक्रम में दो शब्द बोलने मैं चाहती हूँ। कनाडा के शेर रामचंद्रप्पा पांडियन की जय। कर्नाटका के सुपुत्र रामचंद्रप्पा पांडियन की जय। कनाडा के शेर रामचंद्रप्पा पांडियन की जय। कर्नाटका के सुपुत्र रामचंद्रप्पा पांडियन की जय। कनाडा के शेर रामचंद्रप्पा पांडियन की जय। अरे मारो उसको, मारो, किसने मारा रे, किसने मारा, अरे कौन है, मारा पत्थर, भागना भाई, पकड़ो उसको, पकड़ो, अरे बोल, भाग रे, किसने मारा पत्थर, मार दिया, छोड़ेंगे नहीं उसे, छोड़ेंगे नहीं, कनाडा के शेर रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। कर्नाटका के सुपुत्र रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। कनाडा के शेर रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। कर्नाटका के सुपुत्र रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। मेरे प्यारे कनाडा के वासियों और कनाडा के प्यारे लोग, कनाडा के लोगों को मेरा दिल से नमस्ते। ये जो इतिहास बना है गरीबों के आंसू से नहीं, जंग लड़ने वालों के खून से बना, ये जो गांव, ये जो खून, मेरे जंग के खातिर मिलने वाला पुरस्कार है ऐसा समझता हूँ। कान खोल कर सुन लो, एक इंसान को मार सकते हैं लेकिन उसकी शक्ति, उसके अभिमान को कोई मार नहीं सकता। उनके डराने की वजह से हम मजबूत हो रहे हैं, जितना डराएंगे हम उतना मजबूत होंगे। ये शक्ति और बढ़कर क्रांति में बदलकर और भी बढ़ता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि उनके भ्रष्टाचार और अत्याचार को लेकर हमारे स्वाभिमान को दबाने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें करारा जंग लड़कर उनको जवाब देना पड़ेगा। प्रिय लोगों, सरकार के लिए हमने जो मोहलत दिया है वो खत्म हो गया है। कल मुख्यमंत्री के निवास पर हम धरना शुरू करेंगे। राज्य के हर कोने कोने में कनाडा के प्रदर्शनकारियों, एमएलए को, एमपी को, जनता के प्रतिनिधियों को हम घेराबंदी करेंगे और कल से हम जेल भरो प्रदर्शन को भी शुरू कर देंगे। श्री कनाडा जीतने दो, श्री कनाडा जीने दो। बिग ब्रेकिंग न्यूज, आक्रोश की वजह से मिला है करारा जवाब। प्रदर्शन के स्थल पर पत्थर फेंकने का दुष्ट कार्य हुआ है। अपनों के लिए जो आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज बुजदिल की आवाज बनकर रह जाती है, ऐसा हमारे राष्ट्रकवि का कहना है। और अभी जो आंदोलन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो अपना नाम बदनाम कर रहे हैं। जेल भरो प्रदर्शन को शुरू कर चुके हैं रामचंद्रप्पा। ये जो प्रदर्शन है वो किस मुकाम तक जाकर रुकेगा ये कोई नहीं जानता। सरकार को स्वाभिमान नहीं है क्या, इस बात पे चर्चा करने के लिए स्वागत करती हूँ मैं लीना श्री। सर बताइए, जो अपनी मांगे सामने रखता है उसके ऊपर पत्थर फेंकना ये कोई राजनीति है क्या? एक नेता होने के कारण आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पत्थर फेंकने वाले काम नहीं करते मैडम। कदम्बा रामचंद्रप्पा एक अच्छा नेता है। जनता को गुमराह करने के लिए ये लोग मौजूदा हालात का फायदा उठा के नाटक कर रहे हैं। सरकार को ये धमकी देने वाला कोई प्रदर्शनकारी होता है क्या? ये बहुत बड़ा ड्रामा है, सब नाटक है। ये गिमिक, ये उल्टा सीधा बोलना तुम जैसे राजनेताओं का काम है, हम लोगों का नहीं। वोट बैंक के खातिर कनाडा के स्वाभिमान इज्जत को नीलामी करते हो, बेशरम सरकार है तुम लोगों की। अरे सुनिए, इतिहास के बारे में पता ना हो तो बोलना भी नहीं चाहिए। जहाँ ये लोग गलत हैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए क्या? मेरी बात सुनिए सर, इनकी राय चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन्होंने जो सवाल किया है वो गलत नहीं है। कर्नाटका में जो लोग हैं उसको अच्छी नौकरी, अच्छी लाइफ देना, ये बात पूछना कहाँ से गलत है बताइए। तो राष्ट्रहित में बात करते हैं मैडम, कोई भी कुछ भी बोले तो उसकी बातों में नहीं आते हम लोग, हाईकमांड से चर्चा करनी पड़ती है। सुनो भाई, कनाडा के लोगों के हक को छीनने का तुम्हारे हाईकमांड को आखिर क्या अधिकार है? बस उसकी गुलामी करके उसके तलवे चाट रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सुन, जुबान संभाल के बात कर, हमको भी ऐसे बात करने आता है। समय के साथ रंग कैसे बदलना है कोई तुम से सीखे। अन्य भाषा को सपोर्ट देकर एडजस्टमेंट राजनीति कर रहे हो तुम लोग। तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं? मैडम ऐसी भाषा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ इस मंच से। सर बैठ जाइए सर, शांत हो जाइए, हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं सर, प्लीज सर। अरे वो कैसे बैठेगा मैडम, वो बंदर की जात का है, बात करने की ताकत नहीं है उसमें, कोई ईमानदारी नहीं। हम तो जंग लड़ रहे हैं हक के लिए, और ये बात मैं बोल रहा हूँ, हमारे रामचंद्रप्पा एक बार लाइन पर आने दीजिए, कल इनकी सरकार नहीं, कल केंद्र सरकार को भी उनके सामने घुटने टेकने पड़ जाएंगे।
ऐसा करके हम आपको दिखाएंगे। इस बात पे चर्चा आगे करेंगे, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। अपोजिशन पार्टी के लोग सपोर्ट मांगने के बजाय हम लोगों की ही इज्जत को वो अगर नीचे गिराने की कोशिश करें तो इसे ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करके वो हमारी पार्टी का नाम खराब कर सकते हैं सर। ऊपर से जनता इनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुकी है और इसीलिए वो उनके साथ खड़ी है सर। सर बहुत सेंसिटिव मसला है सर, हम किसी और तरीके से हैंडल करेंगे तो कल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है सर। एक हिसाब से देखा जाए तो वो पुराना गुंडा है, जानबूझकर मसले को बढ़ा चढ़ाकर पूरा उसके ऊपर पलट दिया। ये सब सरकार का किया हुआ है सर, फिर सब में आपका सर देने का नौबत आ जाएगा। थोड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा सर। मामला इतना गंभीर है बोल रहे हो तो सीएम से बात करता हूँ। कन्नड़ा के शेर रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। कन्नड़ा के शेर रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। कर्नाटका के सुपुत्र रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। कन्नड़ा के शेर रामचंद्रप्पा पांड्यन की जय। नमस्ते। नमस्ते रामचंद्रप्पा जी, आपकी हर मांग पूरी करने का मैं आपसे वादा करता हूँ। सरकार आपके प्रदर्शन को मानकर बिल को वापस लेने के बारे में सोच रही। अरे सरकार का प्रतिनिधि मैं खुद हूँ ना। अब आप इस प्रदर्शन को रोक दीजिए। लीजिए सर। ऑर्डर कॉपी लो। देखिए, आपकी मांगे पूरी करने के लिए सरकार की तरफ से दिए गया आदेश पत्र। बहुत खुशी है हमारी मांगे पूरी करने के लिए। बिल को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री और सरकार को मेरा धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी होगी। मेरे प्यारे बंधु, बहुत खुशी की हमारे प्रदर्शन को मान रखकर सरकार हम जनता के खिलाफ पास किया हुआ बिल को वापस कर दिया। श्री कनाडा जीतने दो, श्री कनाडा जीतने दो। हमारी मांगे पूरी हो गई, प्रदर्शन का फल मिल गया, सरकार ने मांगे पूरी कर दी, रामचंद्र अप्पा जी के प्रदर्शन को जीत मिली और सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिया। अरे सरकार की खिलाफत का यही तरीका है, नहीं तो हमारे कर्नाटक के हर बैंक में घोटाला होता रहेगा। राष्ट्रीय भाषा मतलब हिंदी में इतनी ताकत है। हमारा कर्म देखो, अपने लिए हमें खुद लड़ना होगा। अरे ऐसे लोगों की वजह से बेंगलोर में कनाडा का वोट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यही बात है भाई। कितना देना है? क्या बताएं भैया, आप तो जानते ही हैं, दे दीजिए। ये पूरा झंडा वंडा लगाने की जगह पर हमने उधर प्रदर्शन कर दिया तो पुलिस ने बहुत मारा। देखो लमसम 15,000 दे रहा हूँ, लेकर निकल जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। नमस्ते भाई साहब। कैसे हो आप? सब आपका आशीर्वाद है। ठीक हूं मैं। ये लड़का, इसका नाम अमित है, नॉर्थ इंडिया में रहता है, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में कुछ सालों से अकाउंटेंट का काम कर रहा है और अब ये सारे काम धंधे को छोड़कर कदम्बा रामचंद्रा के बारे में सुना तब से कह रहा मुलाकात करवा दो। इसकी मुलाकात करवा दीजिए, इसीलिए लेकर के आया हूँ। कमाना छोड़कर क्यों इस तरह के बेकार काम करते हो? काम धंधा तो चलता रहता है सर, जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है इसकी खुशी तो मिलनी चाहिए ना सर। 2000 साल पुराना जिस पवित्र भाषा का इतिहास है कन्नड़ा भाषा का, उसी में मैं बात भी करता हूँ सर। ज्योतिर्लिंगा तिम्बर बम्बर व्यासरदासर कवि शरण ज्योतिर्लिंगा तिम्बर बम्बर इतर गमारा सहज हृदय तिरंगा अंत, ऐसा कवियों का भाषण वही हमारे राष्ट्र का तिरंगा, ऐसी एक कहावत है। बेंगलोर में रहने वाले हमारे सभी लोग कन्नड़ा भाषा को बढ़ावा देने और इसे आगे बढ़ाने की ताकत हम रखते हैं सर। सर आप जैसे बड़े लोग इस काम में हमारा साथ दें, हमें इससे हिम्मत मिलती है सर, इससे हमें खुशी मिलेगी सर। यहाँ के लोग ही कन्नड़ा भाषा बोलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन तुम बाहर के होकर भी ये भाषा सीखने में जो खर्च दिखाते हो ना, ये देखकर मुझे खुशी हो रही है। अरे मंजा, अपना अकाउंट्स देखने के लिए एक लड़का चाहिए था ना, इसे रख लो। नमस्ते सर। हाँ चलो आप।
सर आपके संगठन के लिए मेरी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट है। ये कन्नड़ा के प्रति प्यार के लिए, ये कन्नड़ मुझे जान से प्यारा है। अब उसकी जंग लड़ने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए खर्चे तो होंगे ही ना, उसके लिए ये छोटा सा तोहफा है। आप जैसे बड़े लोगों के होने की वजह से ही हम जैसे लोगों का संगठन कामयाब हो रहा है। धन्यवाद। सेठ जी बोल रहे हैं कि आपसे कुछ काम है। अन्ना जी वो कुछ नहीं है, बस मैं एक जमीन लेकर अपार्टमेंट बना रहा हूँ। लोकल लड़के आके थोड़ा परेशान कर रहे हैं, हर कोई आकर 1 लाख दो, 2 लाख दो ऐसा करके परेशान करते रहते हैं। वहाँ पर वो कौन लड़के हैं आप तो अच्छे से जानते होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए अन्ना जी। अरे ये क्या है, अरे कोई जासूसी कर रहा है, देखो। अरे अरे देखो, अरे देखो देखो जा रहा है, नीचे जा रहा है नीचे। जो अपना पुराना गुंडा कदंबर रामचंद्रप्पा अरसिया नाइजा के नाम से मशहूर है, उसका काला चिट्ठा मैं फेसबुक पर डालने जा रहा हूं। कन्नड़ा ही उसका बिजनेस है, प्रदर्शन ही इसका आइडेंटिटी और डेवलपमेंट है। इसकी क्या औकात है कन्नड़ा के बारे में बात करने के लिए? कन्नड़ा की भाषा जानता है, कन्नड़ा के इतिहास को जानता है। जिसका कोई आकार प्रकार नहीं जानता है वो प्रदर्शन के नाम पर देश को खोखला कर रहा है, गांधीगिरी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है। ऐसे लोगों से मेरा एक सवाल है, सच में अगर आप जनता के बारे में अच्छा सोचते हैं तो जनता के साथ मिलजुल कर जिंदगी बितानी चाहिए। क्यों प्रदर्शनकारियों को इतना बड़ा बंगला, बंगले के साथ नौकर चाकर, ये सब क्यों? हाँ, कन्नड़ा की बेइज्जती करने का एक जरिया है, कन्नड़ा की बेइज्जती करने का एक जरिया है। ये राजनीति के लोग साथ मिलकर किस तरह का डबल गेम खेल रहे हैं आप जानते हैं? वो लोग जनता को डरा कर धमका कर उनसे कितने पैसे लूटते हैं आप जानते हैं? उसका सबूत मेरे पास है, मैं प्ले करता हूँ, आप वीडियो देखिए। अरे यार ये क्या है? देख लिया ना, जनता के इमोशंस उनकी भावना ही इनका हथियार है। राजनीति में आने के लिए ये प्रदर्शन की नौटंकी करते हैं, अगर ये राजनीति में आ गए तो पूरे राष्ट्र को लूट लेंगे। अगर इस तरह के भेड़िये को हमने सहायता करके आगे बढ़ाया तो ये समाज के लिए धब्बा बनकर रह जाएगा। कदंबर रामचंद्रप्पा के काले चिट्ठे को खोलकर रख दिया गया है एक राजनीतिक खेल। सोशल मीडिया में कदंबा रामचंद्रप्पा के खिलाफ चलने वाला आक्रोश। उन्होंने करोड़ों कमा के रखे हुए हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। एक आम इंसान ने रामचंद्रप्पा का पूरा काला चिट्ठा खोलकर हमारे समाज के सामने रख दिया। ऐसे लोग जो राज्य के लिए जीना जानते हैं और उन्हें मरना भी आता है, वो अपने फायदे के लिए इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। राजनीति इनके लिए सेवा नहीं एक बिजनेस, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। रामचंद्रप्पा के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हम लोगों की जनता ठीक नहीं है, किसी भी अरे गहरे नत्थू गहरे को अपने सर पर बिठा कर नचा रही है। रामचंद्रप्पा के इतिहास के बारे में जानते हुए भी हम उनके साथ हाथ मिलाकर गलती कर बैठे, मतलब उन्होंने गलत किया है, इस बात को मान रही है। मतलब यही है कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसे ये सब बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन हम लोग अपने कन्नड़ा के लिए जान देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते हैं इस तरह चीटिंग करने वाले को बराबर सबक सिखाएंगे। क्या बात है गुरु, इतना बड़ा डबल गेम खेलने वाला है। अरे वो छोड़ो, जब वो मास्क पहनकर बात कर रहा है ना, तब देखा तो वो रामचंद्रप्पा के तरफ का लड़का, ऐसा डाउट हो रहा है। अरे पॉलिटिक्स की बातें छोड़, खाना खा। मुझे तो लगा था कि ये पुरानी बातें भूलकर अच्छा इंसान बन गया होगा। लोगों को उल्लू बना रहा है, ये बात मुझे पहले से पता थी। अरे आधे रास्ते में जिसने अपनी जिंदगी को सुधारा है वो अपनी आदत को कहाँ छोड़ेगा, सबके सब बहुत नीच लोग हैं ये। यस, अभी अभी रामचंद्रप्पा के ऊपर ढेर सारे आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, फिलहाल के लिए वो क्या कह रहे हैं चलिए हम सुनते हैं। वो हरामजादे कहीं भी हो उठा करके इधर लाना है। अरे उसे उठा कर लाना तो दूर की बात है, वो हरामजादा जहाँ कहीं भी मिलता है उधर ही उसे काट कर गाड़ देना। बोलिए सर। हाँ आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? आप खुद ही जानते हो ना मेरे साथ क्या हो रहा है करके।
घर के अंदर ही दुश्मन घुसकर आ रहा है बोला तो दुश्मन की सहायता जरूर कोई कर रहा है। ये लड़का कौन है, कहाँ रहता है, इसका पता लगाना जरूरी है। डोंट वरी सर, उसे उठाकर हमारी स्टाइल में इंक्वायरी करेंगे तो जरूर अपना मुंह खोलेगा। नहीं देखो, ऑफिशियली कुछ मत करो, जैसे ही वो मिलता है मेरे पास लेकर आओ। बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हमारे बीच में ही रहने दो। ओके सर। ठीक है। लोगों को गुमराह करने वाला पुराना डॉन, अपनी भाषा के लिए प्रदर्शन करने वाला रामचंद्र अप्पा, उसकी असली कहानी। जैसा कि सब लोग जानते हैं, एक जमाने में वो डॉन था। केन्नी गौड़ा के नाम का इस बेंगलुरु में एक इतिहास है, और इस इतिहास में कितने खून बहाकर जंग लड़ के इतिहास को रचा है कई योद्धाओं ने। अपना इतिहास बनाने के लिए उसके खूनी हाथ का एक और इतिहास भी है। उस कंपनी का जो मालिक प्रकाश मेहता, उस जमाने में प्रोडक्शन के नाम पर कुछ गुंडों को, जो गॉडफादर है, उसी समय में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को ठीक से पगार दिए बिना बहुत सताया भी जा रहा था। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला रामचंद्र अप्पा पहली बार सबके सामने आया, उस मालिक के खिलाफ धरना भी दिया। बदला लेने के लिए प्रकाश मेहता के तरफ से रामचंद्र अप्पा को कत्ल करने की कोशिश भी हो रही थी। के बाद हर तरफ उसका खौफ फैल गया, लोगों में उसका डर भी फैल गया, और तभी से रामचंद्र अप्पा को गुंडागिरी का रास्ता अपनाना पड़ा, और इसी वजह से रामचंद्र अप्पा को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जाना पड़ा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नंबर वन क्रिमिनल बनकर उसने अपना साम्राज्य बना लिया। और आगे कभी भी रामचंद्र अप्पा जी बदल जाएंगे अगर आप लोगों ने ऐसा सोचा, तो उस डॉन की पूरी कहानी हम यहीं रोक रहे हैं। यही थी आज की ताजा खबर। नमस्ते। जी नमस्कार, बैठिए। सर आजकल पार्टी का नाम बदनाम होता जा रहा है, हमने खून बहाकर इज्जत कमाई है वो सब बेकार हो रहा है, और सब पूजा करने वाले उस कन्नड़ भाषा के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं। हम सब लोगों को एक साथ मिलकर आक्रोश पैदा करना पड़ेगा। जब रामचंद्रपा हमारे साथ हैं तो हम फिक्र क्यों करें? हम उनके ही नेतृत्व में हम सब मिलकर प्रदर्शन करेंगे। अरे सुनिए मैडम, वो एक अकेले नेता है क्या? इस गांव में इनके अलावा कोई नेतागिरी नहीं कर सकता क्या? अरे भास्कर जी, जरा आराम से बात कीजिए। अगर ये नेतृत्व करेगा तो विपक्ष के लोग शोर मचाएंगे। अरे इनके साथ पार्टी में काम करने से हर कोई हम लोगों के ऊपर शक करेगा, फिर हम लोगों की इज्जत कौन करेगा? भास्कर जी आप ये क्या बोल रहे हैं, जरा शांति रखिए। बोलने के लिए क्या है अभी, सबकी तो बेइज्जती हो गई ना। प्रदर्शन करते हैं तब उनके ऊपर इल्जाम लगाना आमतौर पर होता है, उसे वजह बताकर उनके नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाना बहुत गलत बात है। ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, लोग गली गली में हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ सुन लो, अगर ये प्रदर्शन में आएंगे तो हम लोग कोई प्रदर्शन में नहीं आएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे।
देखिए, व्यक्तिगत से ज्यादा संगठन बहुत जरूरी है। मेरे अकेले की वजह से यह प्रदर्शन रुकना नहीं चाहिए। उस लड़के के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली क्या? नहीं सर, आईपी एड्रेस बाउंस हो रहा है सर। छोड़ो मत, उसके पीछे लगे रहो, जल्द से जल्द ट्रेस। श्योर सर। या नमस्ते दर्शकों, आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच है तो मास्क क्यों पहन के रखा है? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो घर वालों को परेशानी होगी, उस वजह से मास्क पहन के रखता हूँ, और कुछ नहीं। बट मेरा इस तरह करने की वजह से आप लोगों को मेरे ऊपर ही शक हो रहा है। बोलो तो मुझे परेशानी होगी तो भी चलेगा, मैं मास्क हटा देता हूँ। देख रहे हैं सर, इस बार इसका बचकर निकलना नामुमकिन है। जैसे ही वो लाइव आया है, हमारे लोग अलर्ट हो गए, उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। रामचंद्रप्पा रोल कॉल ग्राहक नहीं है, वो एक समाज सेवक है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। उसकी समाज सेवा कैसी है और उनके गुंडों ने अब तक क्या क्या किया है, उस सब का वीडियो मेरे पास है, आप लोग ही देखिए। देख लिया ना, ये लोग इस तरह की गुंडागिरी कर रहे हैं और इसको तुम लोग समाज सेवा बोलते हो? हाँ मिस्टर ऋषि। सर मैंने आपको लोकेशन भेजी। ओके सर। जाकर उसे अरेस्ट करके लाओ। यस सर। ये सो कॉल्ड समाज सेवक लोगों से, गुंडे लफंगों से, गटर के कीड़ों से मैं सवाल करता हूँ। कर्नाटक हमें रजनीकांत के फिल्मों को रिलीज करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, ऐसा तुम लोग प्रदर्शन करते हो ना। इसके बाद आप लोग किसको रिलीज करने से छोड़ेंगे? ऐसे कितने रोल कॉल है, कुछ पैसों के लिए अपने कन्नड़ा प्रेम को बेच दिया? ये कदम्बा चंद्रप्पा और कन्नड़ा का प्रदर्शनकारी। आईपी एड्रेस को चेंज करके अलग अलग लोकेशन में होकर लाइव प्रोग्राम करते हो। चल बे। तुम्हारा मकसद क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान। ए ये ठीक है, अरे तू मीडिया के सामने जो सवाल कर रहे हो उसका जवाब देता हूं, उसके बाद भी मेरी जान चाहिए ऐसा लगा तो ले लो। भाई ये कीड़े कहीं के को आप क्या जवाब देंगे? हाँ ये कोई गवर्नमेंट या कोर्ट है क्या? जब आरोप लगाया तो पीठ दिखाकर भागने वाला भेड़िया नहीं हूं, तुम्हारे सवालों का जवाब देना ये मेरी जिम्मेदारी है। बातों बातों में मुझे गुंडा बनाना, हर बात पर मेरे माथे पे कलंक लगाकर वार करना, मैं गलत नहीं हूं, मैंने कभी पाप नहीं किया, ऐसा बोला है क्या? हाँ क्यों, जिसका अतीत बुरा बीता है वो अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा? सही है, मैं तो कनाडा का साहित्य नहीं जानता, लेकिन कनाडा के जो अक्षर हैं वो क्या है मैं जानता हूं। हाँ आ के लिए और अहम के लिए जिसको फर्क नहीं मालूम पड़ता है, कनाडा के ऊपर प्यार नहीं होना चाहिए क्या? कर्नाटका जो बोलते हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो जीवन है, मंदिर है। कनाडा सिर्फ भाषा नहीं है, वो एक भावना है। मातृभाषा तमिल है, लेकिन बाद में कनाडा अपनी पहचान नहीं बनाया गया, मातृभाषा मराठी, फिर भी जोबिदा कविता लेकर कनाडा में पुरस्कार नहीं मिला गया। कुछ राजनीति लोगों के साथ मेरा तालमेल रहा है वो सच है, लेकिन किसी के खातिर चमचागिरी करके अपना सर नीचे करने का काम नहीं किया है।
इसी सरकार में कितने मंत्री लोग भ्रष्टाचार, घोटाला और पता नहीं क्या क्या किए हैं, जानते हो क्या? तुम बेकार की मिसाली देके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत करो। तुम कितने बड़े डील मास्टर हो, इसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस सेठ के बारे में बोल रहे हो? तूने सिर्फ शूट उसी को किया है, इसके बाद क्या हुआ ये तुम जानते हो? अन्ना जी, वो कुछ नहीं है, लोकल लड़के आके थोड़ा परेशान कर रहे हैं। वहाँ पर वो कौन लड़के हैं आप तो अच्छे से जानते होंगे। उन लोगों को बुलाकर बात करने को, इतना ही है ना? हाँ, भाई साहब आप कुछ मत सोचिए, बस मान लीजिए आप, इस लफंगे लोगों को मैं संभालूंगा। कदम्बा रामचंद्रप्पा के सामने बैठकर बात किया होता तो चाहे कुछ भी हो खून से नहला देता था। मेरा दिल इतना भी कठोर नहीं, मुझे गुस्सा आने से पहले इसे जल्दी से भेजो यहां से। आज के जमाने में जीना है तो पीने के लिए पानी तक फ्री में नहीं मिलता है। इस कनाडा राज्य के लिए प्रदर्शन को लेकर बहुत सारे केस है मेरे ऊपर, इससे छुटकारा पाना है तो कोर्ट में जीतना पड़ता है, लॉयर को फीस देना पड़ता है। हजार लोगों को जमा करके प्रदर्शन करने की बात आया तो सब लोग कंप्यूटर के सामने बैठकर फेसबुक में, ट्विटर में पोस्ट करने जैसा समझ रखे हो क्या? खर्चा वर्चा करके आने वाले को पूरी सहायता करनी पड़ती है। मैं हर प्रदर्शन में कितना कुछ खर्चा करके इस धरना को चलाया हूँ। जिनके पास है वो लोग उनके रीति से, अभिमान से, इज्जत से सामने लाकर देते हैं। हम किसी के पास जाकर धमका के पैसा वसूली नहीं करते हैं। अगर ऐसा सब करना है तो मैं अंडरवर्ल्ड में रहकर बैठे बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकता था। मैं मेरे घर का कंपाउंड और शानदार बंगले को देखकर सवाल उठा रहा था ना, शेर सो गया तो सड़क के कुत्ते भी ऊपर चढ़कर उसका मजाक उड़ाएंगे। इस कहानी को सुना? जाने अनजाने में पुराना डॉन हूं ऐसा कुछ है। वो सबके साथ मिलजुल कर खुलेआम चलने लगा तो मैं लाश बनकर गिर जाता था। अगर अन्याय को जड़ से उखाड़ना है तो पहले मुझे जिंदा रहना जरूरी है। झूठ से भी ज्यादा फैलने वाला चीज क्या है? अफवाह, आधा सच। उस दिन उस टोल गेट में जो घटना हुआ उसे वीडियो बनाकर वायरल कर दिया ना, वहां सच में क्या हुआ तुझे पता है? रजनीकांत की फिल्म को रिलीज करने के लिए क्यों छोड़ा ऐसा पूछ रहा था ना? उसका डिस्ट्रीब्यूशन जिसने लिया है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर का अगर कुछ नुकसान हो गया तो तकलीफ हो जाएगा करके आकर रिक्वेस्ट किए थे। थिएटर्स के ओनर्स, वहां काम करने वाले कर्मचारी, सब लोग यहां आ गए और अगर सिनेमा रिलीज नहीं हुआ तो बहुत लॉस हो जाएगा ऐसा तड़प रहे थे। इन लोगों में से कोई भी बाहर का नहीं है, सभी लोग कनाडा के लोग हैं। कन्नड़ का प्रदर्शन करना मतलब कनाडा के खिलाफ नहीं है, उसके लिए ही हम सिनेमा को रिलीज करने के लिए छोड़ दिए। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल गया है ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें से एक भी मेरे सवालों का जवाब नहीं है, तुम्हारे समर्थन का जवाब है, बस इतना ही। इंसाफ के रास्ते तुम्हारा प्रदर्शन करने का उद्देश्य होता ना, तो पहले जब प्रदर्शन कर रहे थे तो अपने लड़कों से पत्थर मरवा के सिंपैथी क्रिएट करने का नाटक क्यों किया? सच में इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। उन लोगों ने जो किया है वो गलत है, लेकिन इस वजह से किसको फायदा मिला? कनाडा के लोगों को ना। मार लगा हुआ पैर को अकल सिखाने से अकल मिल जाता है क्या? लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं है। अगर पार्टी के लोग कोई भी काम अगर गलत भी करते हैं तो अपने स्तर पर ही आ जाता है। इतना कुछ बोलने के बाद भी मेरी जान चाहिए ऐसा तुझे लग रहा है क्या? हाँ, तेरी तो। तुम किसके सामने बैठकर क्या बात कर रहे हो? तुम क्या, तुम्हारी लाश भी यहां से बाहर नहीं जाएगी। ए! लाश बनने के लिए ही तैयार होकर आया हूं तुम्हें फेस टू फेस मिलने के लिए ही। मैंने ही साइबर पुलिस को मेरी तरफ से हिंट दी थी, अगल बगल में सिक्योरिटी को रखकर बाहर खुलेआम घूमना मुझे पसंद नहीं है। और घर में तुम्हारा एक जो फौजी है वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, जिसके लिए फेसबुक लाइव का आइडिया आया, तुम्हारी इमेज को खराब करने के लिए बातें की। मेरे प्लान के मुताबिक तुमने खुद ही, तुम जहां रहते उस जगह मुझे बुला लिया। Thank you.
अगर मैं पुराना चंद्रप्पा होता तो तुझे इतना मौका नहीं देता था। जब भरोसा मर जाता है तब इंसान जानवर बन जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तुझे मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है? 10 साल पहले मेरे पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस दिन से मेरे बड़े भाई ने मेरी माँ की जिम्मेदारी संभाली, छोटा मोटा काम भी कर रहा है, मुझे बहुत प्यार भी करता है और घर भी संभाल रहा है। मैंने इंजीनियर की पढ़ाई करनी शुरू की और घर चलाने के लिए मेरे बड़े भाई ने किसी अमीर के घर में ड्राइवर की नौकरी शुरू कर दी। उस घर के मालिक की बेटी को मेरे भाई से प्यार हो गया था, मेरा भाई भी उसे प्यार करने लग गया था। बात उनके घर वालों को पता चल गई और मेरे भाई को काम से निकाल दिया। वो उस लड़की को बहुत टॉर्चर करने लगे, उसने सुसाइड भी करने की कोशिश की। ये बात मेरे भाई को पता चल गई। बाद में वो दोनों गांव छोड़कर भाग गए। कैसा काम कर दिया तुम्हारा भाई, पहले से वो अमीर लोग हैं, भाई को जीने देंगे क्या? माँ तुम ये सब मत सोचो, भाई को कुछ नहीं होगा। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इज्जत से मेरी बेटी को लाकर मुझे दे दो, जाओ। क्या सर, धमकी दे रहे हो आप? ये धमकाने का काम कहीं और जाकर करिए, यहाँ नहीं चलेगा। सुनो सतीश, चुप रहो, मेरी सुनो मालिक। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। आपके पैरों पर गिरकर मैं माफी मांगती हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हारी रामायण सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी कहाँ हूँ? सॉरी यार, हालात ही ऐसे थे, कोई और रास्ता नहीं था। मामला ठंडा होते ही हम वापस आ जाएंगे। हाँ, ब्यूरो में कुछ पैसे छोड़कर आया हूँ तुम्हारे एग्जाम फीस के लिए। बेकार में कोई परेशानी मोल मत लेना, होशियार रहना, माँ का ध्यान रखना। भैया आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए, माँ का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूंगा। आपके भरोसे जो लड़की आई है उसका ख्याल रखिए आप। ठीक है। माँ, भैया का फोन। हेलो भैया, कहाँ हो? कितने दिन हो गए, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। क्या हो जाएगा, हमारे साथ क्या होगा, ऐसा सोचकर बहुत डर लग रहा था सतीश। लेकिन भगवान के रूप में कंदप्पा रामचंद्रप्पा जी का फोन आया हमें। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों को पनाह देकर शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, उन्होंने बोला। ठीक है भैया, आप जल्दबाजी मत करना, सब हो जाने के बाद मुझे फोन करना। ठीक है भैया? ठीक है भाई। मैंने तुम्हारे भाई को फोन किया ये तो सच है, लेकिन उससे पहले उस लड़की का बाप मेरे पास आया था। भाई अगर पुलिस कंप्लेंट की तो बात पूरे गांव में फैल जाएगी और उनकी इज्जत चली जाएगी, इसी डर से ये आपके पास आए हैं। कुछ भी करके मेरी इज्जत बचा लीजिए। उसके बाद उस लड़के का क्या, उसे मारकर दफना दोगे क्या? आपके अंदर की तकलीफ को मैं समझ पा रहा हूं, फिर भी क्या कर सकते हैं, हालात हाथ से निकल चुका है। मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है और आप उसे खुद ही समंदर में फेंकने को कह रहे हैं। बड़ा परिवार है मेरा, समाज के अंदर सर उठा के कैसे चल पाऊंगा? आपको आपकी इज्जत बड़ी है या फिर आपकी बेटी की खुशी है, बताइए। उन दोनों को बुलाकर दोनों की शादी करवाकर आशीर्वाद दोगे तो वादा करता हूं, नहीं तो आपका रास्ता आपका। क्या सोच रहे हो, आपकी इकलौती बेटी है, जो रिश्ता लेकर आएगा उसकी भी जिंदगी खराब कर दोगे? भाई बोल रहे हैं वैसा ही करो। देखिए, अगर आपकी आंखों के सामने उनका रहना आपको तकलीफ होता है तो कहीं और ठहरने का इंतजाम कराइए, सबको खुशी की जिंदगी जीने दो। ठीक है सर।
इन दोनों को ठहरने के लिए कहाँ इंतजाम किए हो? दुर्दबुल्लापुर गांव में मेरी बेटी के नाम पर 100 एकड़ का इलाची की जमीन है, एक फार्म हाउस भी है, उसे मैंने इन लोगों के नाम कर दिया। अब हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं खुद ही इन लोगों को छोड़कर आता हूँ। जाकर आओ। आइए। तुम एक गुंडे हो ऐसा सोचा था, उसके साथ साथ अच्छी कहानी सुनाते हो ये नहीं जानता था। मैं कोई मासूम बच्चा नहीं जो तुम मनगढ़ंत कहानी सुनाओगे। तुम्हारे फोन करके उन्हें बुलाने के बाद मैंने उन्हें फोन करने का बहुत ट्राई किया था, फिर भी 2 हफ्ता होने के बावजूद उनसे बात नहीं हो पाई। फोन नॉट रिचेबल आ रहा था। हम सब पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए थे। 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। वो लोग भी हमारे साथ अन्याय कर रहे थे। बोलो, मेरे भाई को सुरक्षा देने के बहाने उसके साथ क्या किया? अपने नीच दिमाग का इस्तेमाल करके पुलिस के साथ डील करके केस क्लोज कर दिया क्या? कहां छोड़कर आया था उन्हें भाई? वो सच बोलो। अपनी बेटी को लेकर जाओ सर, इस कमीने को मैं देख लूंगा। हे, ये सब तूने किया क्या? छोड़िए मुझे। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। गुस्से में जल्दबाजी करना गलत होता है। तुम इसे मारकर जेल गए तो तुम्हारी मां का ख्याल कौन रखेगा? भले गलत उसने किया, लेकिन इसमें मेरा भी हाथ है। तुम्हारे भाई को वापस तो मैं लेकर नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर ले लेता हूं। ये खून खराबी की जिंदगी नहीं चाहिए, इसलिए उसे छोड़कर यहां जी रहा है। आखिर उसी खून की नदी में डुबा दिया ना भाई साहब। निकल जाओ, अब एक पल भी मेरी आंखों के सामने मत रहना। ये सब अनजाने में मुझसे गलती से हो गया, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए। बात मत करो। गलत करने वाले को माफी मिल सकता है, लेकिन जो गद्दारी करता है उनके लिए नहीं। इतने दिनों तक तुम मेरे आदमी हो, इसलिए तुम्हारी रक्षा करता रहा। आगे तेरी जिंदगी तुम्हारे बल पर है, यही तेरे लिए सजा है। निकल जाओ यहां से। भाई, मंजा भाई को राम भाई ने टीम से बाहर निकाल दिया। भाई मेरा मर्डर कर देते, ये गारंटी मुझे थी, इसलिए मैंने मीटिंग को फेसबुक पर लाइव कर दिया था। आपको बिना सोचे मैंने जो भी मुंह में आया सब बोल दिया। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कहिए। नमस्ते सर, आपके बारे में बहुत गलत बोला हम लोगों ने, मेहरबानी करके उसे दिल पे मत लीजिएगा सर। देखिए, अब मुझे लगता है कि मुझे नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है भास्कर जी।
सब लोग मिलकर कनाडा के पैर को खींचने के लिए निकले हैं। मैं तो आप लोग जैसा बनना चाहता हूँ, बस इतना ही। आपको लीडरगिरी नहीं चाहिए होगा रामचंद्रप्पा जी, लेकिन हमारे संगठन के लिए चाहिए। कल रायना सर्कल के हमारे संगठन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप वहाँ आकर संबोधन करें, ये हम सबकी गुजारिश है। हम यही चाहते हैं, इस वजह से हम सब एक हैं, संदेश को हमारे कार्यकर्ता को दे सकते हैं, वैसे हमारे संगठन को और भी सपोर्ट मिलेगा, बस आपको मनाना पड़ेगा। ठीक है, हम चलते हैं सर। नमस्ते। 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 अब हम चलते हैं। अब हमारे महोदय चंद्रप्पा जी को मंच पर आकर दो शब्द बोलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। अरे अरे सर, ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बाप रे, सर, क्या सर, क्या हो गया सर? उठिए, क्या हो गया सर? सर को क्या हुआ? उस एहसान को इंसान यूं ही भूल सकता है, लेकिन खून के बदले खून की आग को इंसान कभी नहीं भूल सकता। पेड़ की याददाश्त चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, चट्टान उसे याद नहीं रखती।